रिकॉर्डिंग तो हाँ भाई सवार दे रही फोन की वही मोबाइल हो कौन से वो तो आती है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी नहीं हो रही। हाँ ये है गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। सम ऑफ यू फॉरगॉट दैट द फर्स्ट आर वाज मेंट फॉर एविडेंस एक्ट सो आई विल स्टार्ट आईपीसी टुडे एंड नाउ यू शुड नॉट फॉरगेट दैट द फर्स्ट आर टुमारो विल बी फॉर और डे आफ्टर टुमारो विल बी फॉर एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट का जो प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट वाला टॉपिक है बस मुझे आपको पढ़ के सुनाना है। तो आप में से कुछ को याद नहीं था जस्ट नाउ दे टोल्ड मी, कोई बात नहीं हम आज आईपीसी करते हैं। सेक्शन 2 हमने कर लिया था कल की क्लास में, आई होप यू रिमेम्बर। इन सेक्शन 2 वी हैड सीन टू रूल्स, एक एक्सप्रेस रूल था दूसरा इम्प्लाइड रूल था। Right, every person who commits an offense within the territory of India. So this has inter-territorial operation. इसमें दो चीजें थी। If the person is an Indian citizen, he is liable
for having committed an offense within the territory of India. And if the person is a foreigner, even he will be equally liable for having committed any offense in India, in the Indian territory. So every foreigner who enters the Indian territory submits himself to the operation of Indian laws. So this is no defense to say that being a foreigner, he is unaware of the Indian laws. Also, it is no defense to say that the act he did in India is not an offense in his own country. But both these facts can be taken into consideration at the time of deciding sentence, the quantum of sentence decide karne mein, is baat ko rakha ja sakta hai consideration mein. Agar uski country mein ye offense nahi hai aur usko ye law India ka nahi pata tha, to phir hum ise ek mitigating factor mante hai. We consider this to be a mitigating factor. Aur punishment severe nahi denge, thoda kam denge. तो मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का ये केस था, एक लैंडमार्क केस फॉरेनर का है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज, जिसके फैक्ट्स मैंने आपसे कल डिस्कस कर लिए थे, राइट. और इस केस में यही एस्टैब्लिश किया गया था कि अगर कोई फॉरेनर है वो इंडिया में आता है, इंडिया के लॉ को ब्रीच करता है, तो दिस इज नो डिफेंस दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इंडियन लॉ. This is no defense that the act that he committed is not an offense in his own country. और इस केस में तो हालात ये थे कि he had not come to India also. वो इंडिया आने के लिए इंडिया नहीं आया था. Transit में इंडिया में उसका plane रुक गया था. तो transit में जा कहीं और रहा था, एक stop इंडिया था, वो aircraft पे ही बैठा रहा, aircraft से उतरा भी नहीं. और फिर custom officials वहां पर आ गए और उसको अरेस्ट करके ले गए. इसमें हम फैक्ट्स की मॉडिफिकेशन कर दें तो भी रेशियो यही रहेगा, द सेम रेशियो विल बी देयर इवन इफ द फैक्ट्स आर मॉडिफाइड. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि वो प्लेन कहीं और जा रहा था, इंडिया में उसका स्टॉपेज भी नहीं था, राइट. इट वाज लेट्स से डायरेक्टली गोइंग टू एक्स वाई जेड आइलैंड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया उसके एयर स्पेस में आपका मत राइट मतलब इंडिया के ऊपर का जो एयर स्पेस है उसको यूज करता हुआ जा रहा था, तभी उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, राइट. प्लेन में कोई टेक्निकल स्नैग आ गया, वेदर कंडीशंस इतने खराब हो गए कि प्लेन आगे नहीं जा पा रहा था, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी इंडिया में, और उसमें बैठा हो मेयर हैंस जॉर्ज सोना लेकर, तो क्या तब भी ये रेशियो एप्लीकेबल होगा? विल दिस रेशियो बी एप्लीकेबल? गौर कीजिएगा कि जिस ऑफेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आरबीआई का जो बाइलॉ था कि क्वांटम ऑफ गोल्ड कितना होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का जो यहाँ पर एप्लीकेशन हुआ, उन सभी में ना मेंस रिया एलिमेंट है ही नहीं, ओनली एक्टस रियस इज पनिशेबल. मतलब कि वो एक कैसी लाइबिलिटी है आपकी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है आपकी, राइट. इनफैक्ट डिफेंस इतने कम है कि कभी कभी लोग इस हद तक बोल जाते हैं कि दिस वाज एब्सोल्यूट लायबिलिटी रादर. एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे कि वेदर यू इंटेंडेड दिस टू हैपन और नॉट, आप चाहते थे ऐसा हो या नहीं हो, आपके इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो मेंस रिया एक एलिमेंट है ही नहीं, राइट. तो मेंस रिया अगर एलिमेंट नहीं है और तभी आदमी टेक्निकल स्नैक की वजह से यहाँ पर इंडिया में लैंड कर जाता है, तो क्या तब भी ये रेशियो हम अप्लाई करें? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट डू यू थिंक? एक देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वेयर द पर्सन कुड नॉट रीजनेबली फोर्सी कि उसकी फ्लाइट वहां लैंड करेगी जहां पर जो गुड्स वो कैरी कर रहा है वो फॉरबिडन है, राइट. एक होता है कि वो फोर्सी कर सकता था, जैसे मान लो कि एक स्टॉप उसका इंडिया होता, पहले से ही पता था कि इंडिया होके जाएगा और एक घंटे के लिए फ्लाइट इंडिया में रुकेगी और फिर वही फ्लाइट चलेगी, राइट. ये पहले से अगर रहता तो हम कह भी सकते थे कि द पर्सन हु बोर्डेड द फ्लाइट कुड रीजनेबली फोर्सी दैट ही वुड बी लैंडिंग इन इंडिया एंड देयरफॉर ही शुड
make preparations to behave in accordance with the principles, right? To behave in accordance with the laws of the land, right? भारत में एक घंटा भी रुकने का अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि भारत में आप एक बार भी रुकेंगे, तो फिर यहाँ के लॉस के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी गलती है। लेकिन यहाँ पर तो वो बंदा रीजनेबली फोर्सी भी नहीं कर सकता था, ही कुड नॉट रीजनेबली फोर्सी। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस, राइट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दिस इज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, रियायत देगा जरूर इस फॉरेनर को, लेकिन कन्विक्शन में नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट इन कन्विक्शन, सेंटेंस में देगा, राइट। उसकी वजह यह है कि अगर लॉ को, अब जैसे लॉ स्ट्रिक्ट बनाया ही गया है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंपोज की गई है, क्योंकि लेजिस्लेचर इसे किसी कीमत पर या जो भी लॉ मेकिंग बॉडी इसे किसी कीमत पर प्रिवेंट करना चाहती है, अगर अलाउ किया तो इसका अब्यूज ज्यादा हो सकता है, राइट। फिर एवरी स्मगलर वुड मेक सच एन एक्सक्यूज विच वुड साउंड रीजनेबल, फिर वो ऐसा कोई ना कोई एक्सक्यूज बना ही देगा जो कि साउंड रीजनेबल करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो हमने एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इस पर इम्पोज कर दिया कि नहीं, आप लायबल होंगे अगर भारत की धरती पर आप पाए गए कुछ फॉरबिडन लेकर, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या एब्सोल्यूट लायबिलिटी जिसे आप कह सकते हैं कभी कभी, देयर यू आर डिफेंसलेस, आपके पास कोई डिफेंस ना हो तो यू आर इम्पोज्ड विद एब्सोल्यूट लायबिलिटी आल्सो। तो कई बार स्टैट्यूट्स इस तरह के क्रिमिनल लायबिलिटीज हम पर इम्पोज इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो एट एनी कॉस्ट प्रिवेंट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एक्ट को, और एट एनी कॉस्ट वो चाहते हैं कि कोई भूल से भी ये एक्ट ना करे, राइट। इसलिए मेंस रिया एज एन एलिमेंट ऑफ क्राइम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑफेंस, जिस ऑफेंस में मेयर हैंस जॉर्ज को चार्ज किया गया। फिर हमने फोर्थ पॉइंट भी पढ़ा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ। अब यहां पर मेयर हैंस जॉर्ज की रेशियो हम नहीं अप्लाई कर सकते, वजह उसमें एक ऑफेंस था, राइट, विच वॉज डिफाइंड एज एन ऑफेंस, जिसका आपने चार्ज लगाया था एमिट जॉर्ज पर। लेकिन यहां पर यू हैव अरेस्टेड अ पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट, अंडर द लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने अरेस्ट किया है किसी पर्सन को, कोई ऑफेंस नहीं है, ना कोई ऑफेंस हुआ है, राइट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज गवर्न्ड बाय नॉट ओनली द लॉज ऑफ द लैंड, दैट इज द इंडियन लॉज, बट ऑल्सो बाई इंटरनेशनल लॉ, बाई इंटरनेशनल लॉ ऑन ह्यूमन राइट्स, एंड इंडिया इज साइनेटरी टू ऑल दीज लॉज, राइट। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स देखते हो, उन सब का कहीं ना कहीं इंडिया साइनेटरी होता ही है, या इंटरनेशनल ट्रीटी जब इंडिया करती है तो फिर उसकी रेटिफिकेशन अगर इंडियन लेजिस्लेचर ने कर दी, इफ द रेटिफिकेशन इज डन, ठीक है, तो फिर हम उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, वो हमारा ऑब्लिगेशन बन जाता है। तो द कोर्ट हेल्ड दैट द अथॉरिटीज मस्ट टेक डिसीजन व्हाइल कीपिंग आवर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इन माइंड। तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को दिमाग में रखते हुए हमें फैसला लेना होगा, वेयर देयर इज arrest on the ground of preventive detention, ठीक है। Indian courts have jurisdiction against foreigners residing in foreign countries for their acts connected with the transaction in India. The following persons are exception to this section: foreign sovereigns, जैसे king, foreign ministers, president, prime minister, फिर diplomats, diplomats के लिए मैंने law आपके साथ discuss किया था। I'm just recapitulating what we did yesterday. ठीक है, अ डिप्लोमेटिक एजेंट शैल एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन एज वेल एज सिविल ज्यूरिसडिक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन, मतलब किसी भी ज्यूरिसडिक्शन से बच ही गया समझो, ही इज इम्यून फ्रॉम ऑल दीज ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द रिसीविंग स्टेट। एक्सेप्शंस हैं उसके, जैसे एन एक्शन रिलेटिंग टू प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक फॉरेन डिप्लोमेट एजेंट है लेकिन इंडिया में वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लिटिगेशन होगी तो वो तो फिर उसमें स्यू भी कर सकता है और स्यूड भी हो सकता है। एन एक्शन रिलेटिंग टू सक्सेशन,
जिसमें कि वो फॉरेन डिप्लोमेटिक एजेंट खुद ही एग्जीक्यूटर बना, जैसे सिविल का एग्जीक्यूटर वो बना हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, वो लीगल एयर है राइट किसी प्राइवेट पर्सन का, तो फिर वैसे में जो सारे लॉज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को गवर्न करते हैं उससे वो भी गवर्न होगा. एन एक्शन रिलेटिंग टू एनी प्रोफेशनल और कमर्शियल एक्टिविटी एक्सरसाइज्ड बाय द डिप्लोमेटिक एजेंट इन द रिसीविंग स्टेट आउटसाइड हिज ऑफिशियल फंक्शंस. अगर उसके खुद के कंट्री ने अलाउ किया हुआ है कि आप एज ए डिप्लोमैट कमर्शियल एक्टिविटी में भी एंगेज कर सकते हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज में भी एंगेज कर सकते हैं, और वो करता है, तो उन एक्टिविटीज की वजह से जो राइट्स या लाइबिलिटीज अराइज होती हैं, उसको लेकर सिविल एक्शन बिल्कुल हो सकता है, राइट. सो ही विल बी लाइबल अंडर द सिविल ज्यूरिसडिक्शन, राइट. एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन भी, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उसे फॉलो करने पड़ेंगे, और क्या क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन भी. लैंग्वेज आप देख लीजिए साथ में, एक्सेप्शन सबका है, इसका मतलब कि यस क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन भी. अगर ये ऊपर ए बी सी से रिलेटेड किसी ट्रांजैक्शन में कोई क्रिमिनल एक्ट हो जाता है तो ही कैन प्रोसिक्यूट, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड ऑल्सो, राइट. लेकिन वो ए बी और सी के ग्राउंड पे और किसी ग्राउंड पे नहीं. एलियन एनिमी के लिए भी मैंने बताया था कि दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोड्स. फॉरेन आर्मी अगर कंसेंट से है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोड्स. वॉरशिप्स अगर इंडिया में है बाय द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर दे आर नॉट सब्जेक्ट टू, राइट. और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के लिए टेम्पोररी रिप्रीव और परमानेंट रिप्रीव दो चीजें हैं. परमानेंट तब व्हेन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर हैज एक्टेड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, राइट. तो उस एक्ट की वजह से कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, सिविल या क्रिमिनल कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, राइट. व्हाइल ही इज बीइंग प्रेसिडेंट आफ्टर ही स्टेप्स डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, कभी भी नहीं. लेकिन अपने प्राइवेट इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं, या प्राइवेट इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई सिविल लाइबिलिटी इनकर करते हैं, तो उसके लिए जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे उसके बाद प्रोसिक्यूशन या सिविल एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ लिया जा सकता है. तो ये उनको एक टेम्पररी रिलैक्सेशन दी गई है कि सो लॉन्ग एज यू आर प्रेसिडेंट नो सिविल और क्रिमिनल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू इवन इफ यू हैव डन इट इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी, राइट. तो गौर करें कि ऑफिशियल कैपेसिटी में किए हुए काम के लिए कभी कोई एक्शन नहीं हो सकता, इंडिविजुअल कैपेसिटी में किए काम के लिए एक्शन होगा, लेकिन थोड़ा रुक के, थोड़ा ठहर के, ठीक है. सेक्शन 188 सीआरपीसी, आई हैड आस्क्ड यू टू ब्रिंग योर सीआरपीसी बेयर एक्ट आल्सो. लेट अस रीड सेक्शन 188 सीआरपीसी. वो यहां पर कैसे रेलिवेंट है वो आप सीआरपीसी देख के ही समझ जाएंगे. सो लेट अस टेक आउट सीआरपीसी सेक्शन 188. When an offence is committed outside India, A, by a citizen of India, भारतीय नागरिक ने कोई ऑफेंस किया है इंडिया से बाहर, मतलब ऐसी जगह which is not within the territory of India, चाहे वो हाई सीज पे किया गया हो, हाई सीज जो कि इंडियन टेरिटरी में नहीं आता है, या एयरक्राफ्ट पे, राइट, elsewhere में कुछ भी ले लो, लैंड पे, पानी में, एयर में, कहीं भी, या बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही हैज कमिटेड ऑफेंस ऑन एनी इंडियन शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, राइट. इंडियन शिप पर, यानी कि द शिप विच वॉज रजिस्टर्ड इन इंडिया, एयरक्राफ्ट दैट वॉज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो ही मे बी डेल्ट विथ in respect of such offence as if it had been committed at any place within India, मतलब section 2 लगा देना है, deem कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये offence उसने Indian territory में किया है. तो अगर भारतीय नागरिक है, offence अमेरिका में करके आया, तो भी मानेंगे offence उसने इंडिया में किया है.
तो यानी कि अमेरिका में उसने कोई एक्ट किया जो इंडियन लॉज के हिसाब से भी ऑफेंस है, विच इज एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज. तो इंडिया आते ही हम उसे पकड़कर यहां सजा दे सकते हैं. एक इंडियन सिटीजन कहीं भी चला जाए विल ऑलवेज रिमेन सब्जेक्ट टू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया. कहीं भी चला जाए तो एज लॉन्ग एज ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही इज सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑफ सॉरी द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स. और अगर कोई फॉरेनर है तो हम देखेंगे सेक्शन 2 कि whether he has committed offense within the territory of India, जिसमें कि इंडियन शिप भी आता है और इंडियन एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया आता है. कोई भी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, कोई भी शिप विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, उस पर कोई भी पर्सन हो, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो, राइट. और इंडियन सिटीजन के लिए तो यहां तक कानून है कि वो विदेशी धरती पर भी, राइट, नॉट इन द इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में उसने ऑफेंस नहीं किया है, उसने ऑफेंस किया है कहीं दूसरे देश की टेरिटरी में, लेकिन जो किया है वो इंडिया में भी ऑफेंस है. तो जब वो इंडिया आएगा तो हम उसका ट्रायल इंडिया में करा देंगे. He is subject to the jurisdiction of Indian courts. So he may be dealt with as if he had committed, as if, to deem kar liya gaya, right? He has committed offense at any place within India at which he may be found. Found word is important. Section 88 word bolta hai, found. To found mein dono baatein aati hain. Ek, ki wo voluntarily India aaya ho, ya India laya gaya. Even if he has been forcibly brought to India, but at the relevant time he is found in India. Right. So whether he has come voluntarily or he has come involuntarily, doesn't matter. All that matters is that at the relevant point of time he has been found in India. So he will be caught, he will be arrested, he will be prosecuted as if he had committed offense within the territory of India. Section 2 extended. तो सेक्शन 2 आईपीसी को एक्सटेंड कर दिया गया. प्रोविजो में देखिए क्या लिखा हुआ है. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड इन इंडिया एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. आपके पीटी का क्वेश्चन है, बस इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए. तो इसका मतलब कि अगर किसी इंडियन सिटीजन ने किसी विदेशी धरती पर ऑफेंस किया है, इंडियन टेरिटरी में नहीं किया है, इंडिया में आता है या इंडिया में पाया जाता है, तो पकड़कर उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन प्रायर सैंक्शन चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, प्रीवियस, ठीक है. या कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है, हूएवर ही इज, सिटीजन नहीं भी है, लेकिन भारतीय जहाज पर या भारत के रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पर कोई ऑफेंस करता है, तो भी उसे प्रोसिक्यूट इंडिया में किया जा सकता है, राइट. अगर भाग के कहीं विदेश चला गया तो एक्सट्रेडिशन मांग सकते हैं हम और उसे इंडिया लाकर उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्रायर सैंक्शन, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए. बट रिमेंबर, इफ अ फॉरिनर कमिट्स ऑफेंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज नॉट अ शिप और एयरक्राफ्ट, which is not a ship or aircraft registered in India, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है. There is no need of, right. अब जैसे कोई फ्रेंच पर्सन यहाँ दिल्ली में ऑफेंस करता है, उसे सीधे दिल्ली पुलिस पकड़ सकती है, उसे प्रोसिक्यूट कर सकती है, इंटरोगेट कर सकती है, राइट. कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं. लेकिन अगर उसने भारत के जहाज पे किया होता है, एयरक्राफ्ट या शिप पे, तो भी तो दिल्ली पुलिस करती प्रोसिक्यूट, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है. तो 188 को सेक्शन 2 के साथ पढ़ना है. 188 ऑफ सीआरपीसी हैज टू बी रेड विद सेक्शन, राइट. तो सेक्शन 188 सीआरपीसी डिस्कशन होगा. पीटी के लिए याद रखोगे प्रायर सैंक्शन चाहिए किन सूरतों में. अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, एनी पर्सन हु कमिट्स right offense within the territory of India who is not a citizen of India can be prosecuted a only by the permission of the central government, b by the state government, c by any investigating agency, d none of these. Kyunki yahan par maine specifically ye nahi likha
कि जो सिटीजन नहीं है उसने ऑफेंस कहाँ किया है, तो जनरल रूल लगाएंगे, राइट। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन अगर मैंने साथ में यह भी लिखा होता कि अ पर्सन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स एन ऑफेंस इन द एयरक्राफ्ट, कमिट्स एन ऑफेंस, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रहने दो, ठंडा हो जाए, राइट, इन द एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, तब उस केस में फिर प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए होगी। ये बारीक बात है, इसे याद रखना है, ठीक है। और ये जो रूल्स में जो डिफरेंसेस है ना, इट इज बिकॉज ऑफ आर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनकी वजह से रूल्स में डिफरेंस है। अभी आज की क्लास में मैं आपसे एनरिका लेक्सी केस भी डिस्कस करूंगा ब्रीफ में, ठीक है। तो सेक्शन थ्री पे आते हैं। सेक्शन थ्री, दिस सेक्शन रिलेट्स टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट। तो टू था इंटर टेरिटोरियल, यानी कि टेरिटरी इंडिया की, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब इंडिया की टेरिटरी के बाहर। एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस इन इंडिया शैल ऑल्सो बी एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी एक्ट जो भारत के इंडियन पिनल कोड या किसी भी क्रिमिनल लॉ द्वारा परिभाषित एक ऑफेंस है, तो फिर वो एक्ट कहीं भी किया जाए, अमेरिका में भी किया जाए, तो भी हमारी नजरों में वो एक ऑफेंस ही रहेगा, राइट। इट विल रिमेन एन ऑफेंस इवन इफ दैट इज नॉट एन ऑफेंस इन दैट कंट्री। एक भारतीय यदि यूएस जाता है और वहां पे कोई ऐसा एक्ट करता है जो हमारे लिए ऑफेंस है, हमारे लॉ में वो डिफाइंड एज एन ऑफेंस है, बट इन यूएस इट इज नॉट डिफाइंड एज एन ऑफेंस, स्टिल वी विल कंसिडर दैट टू बी एन ऑफेंस, राइट। ही कैनॉट बी फॉरगिवन ओनली बिकॉज ही कमिटेड दैट एक्ट ऑन अ फॉरेन लैंड वेयर इट इज नॉट डिफाइंड एज एन ऑफेंस, बिकॉज ही इज एन इंडियन, ही नोज द लॉज ऑफ इंडिया, so he should have respected the laws of India, he should have abided by the laws of India, he has breached the law of India. An offense committed outside India by an Indian citizen can be investigated by the local police even without prior sanction of the central government. So where an Indian commits an offense outside India and he is an Indian citizen, to uske is offense ko hamare yahan Delhi police जहां पे भी कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए, नो प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट। इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूं, गौर कीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए, राइट। अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन ट्रायल है, तो फिर वहां पर देखेंगे वेदर सेक्शन 188 सीआरपीसी इज एप्लीकेबल और नॉट। अगर 188 सीआरपीसी एप्लीकेबल हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। एंड वी हैव ऑलरेडी डन सेक्शन 188 नाउ, तो आई होप यू कैन अप्लाई इट व्हेरेवर नेसेसरी। तो ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन सिटीजन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द लोकल पुलिस इवन विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द केसेस स्पेसिफाइड इन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962, CRPC 188 and 189। तो मतलब ये है कि आपको इसको 188 के साथ पढ़ना है, जहां 188 लग गया फिर तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए होगी, ठीक है। इसको हम एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 के साथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सट्रेडिशन एक्ट एप्लीकेबल है। कोई इंडियन इंडिया से बाहर जाकर ऑफेंस करता है, उसकी कंप्लेंट इंडिया में की जाती है, राइट। जैसे कि सेक्शन 498 एक ऑफेंस, हस्बैंड वाइफ यूएस में थे, शादी के बाद वहीं चले गए, उसने वाइफ के साथ काफी क्रुएल्टी की, डाउरी की डिमांड भी की, वाइफ वहां से इंडिया लौटकर चली आई और उसने यहां कंप्लेंट कर दिया, ठीक है, तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, इंडियन सिटीजन है वो, और देखना है कि 188 लगता है कि नहीं लगता है, राइट। नहीं लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट
कि परमिशन वैसे हमने रखी क्यों है, why in certain cases we need the permission of the central government. कॉमन सेंस लगा लो, प्रायर सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की इसलिए चाहिए क्योंकि अगर वो आदमी इंडिया में है नहीं, वो इंडिया में नहीं है, बाहर है कहीं, तो एक्स्ट्राडिशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी ना, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले ही ये केस हम ले जाते हैं क्योंकि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली है, राइट, फॉर द प्रोसिक्यूशन टू बी सक्सेसफुल हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेड रिस्पॉन्सिबल, लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट बी अप्राइज ऑफ द सिचुएशन, उसे इस सिचुएशन का पता तो चले, लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट बी अप्राइज ऑफ द सिचुएशन. हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस इसलिए तो प्रायर सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की इसलिए रिक्वायर करते हैं क्योंकि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो एक्सट्रेडिशन करके देगी हमें, तो उसे पहले से सिचुएशन पता होगा, तो वो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से सैंक्शन देगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब किसी कंट्री के साथ मान लो उसका एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो वो ग्लैडली दे देगा परमिशन की, जाओ जाओ, बिल्कुल है अपना उसके साथ, और जिसके साथ नहीं है, राइट, वहां पे वो कहेगा क्यों करते हो प्रोसिक्यूट, या डिले कर देगा परमिशन देने में. अब जब तक सैंक्शन देगा नहीं, लटका रहेगा फाइल वहां पर, ना भी नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, हो सकता है कि उसे लंबे समय तक, क्योंकि वहां पर उसको पता है कि अगर प्रोसिक्यूशन हो भी गया तो एक्सट्रेडिशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये तो एक मशीनरी है जो देखनी पड़ेगी ना. लेट्स से इट इज पाकिस्तान, एक्सट्रेडिशन तो होने से रहा, तो व्हाई टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट? आई गेटिंग माय पॉइंट? लेट इट बी पेंडिंग, इस एप्लीकेशन को पेंडिंग रहने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन को डिले कर देगा, हो सकता है पहले वो पाकिस्तानी एम्बेसी से बात करके देखे कि सच एंड सच केसेस कम अप, हेल्प करोगे? पाकिस्तानी एम्बेसी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, तो फिर करेंगे, फिर सैंक्शन दे दिया जाएगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी है, तभी सेक्शन 188 ने क्या कहा है, फिर से एक बार 188 सीआरपीसी फिर से पढ़िए. इंडियन सिटीजन हु कमिट्स ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, outside India whether on the high seas or elsewhere or by a person not being such a citizen. मतलब एक इंडियन सिटीजन अगर भारतीय धरती को छोड़ के कहीं और ऑफेंस करता है, ठीक है, और उसे प्रोसिक्यूट करना है, तो प्रायर सैंक्शन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का. कॉमन सेंस की बात, क्योंकि वो जहां भी होगा वहां से उसे कौन लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगा. एक्सट्रेडिशन करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए ही सैंक्शन देगा ना, राइट. ऐसी कोई अरेंजमेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट का उस स्टेट के साथ नहीं है और सैंक्शन इधर दे दिया तो क्या होगा? दैट विल बी अ यूजलेस एक्सरसाइज ना, इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, राइट. प्रोसिक्यूशन चलता भी रहेगा, एक्यूज्ड है ही नहीं, क्या कर लोगे? वही हो सकता है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस करके छोड़ सकते हो, इसके अलावा फिर क्या कर लोगे? तो वेस्टफुल एक्सरसाइज क्यों करें रिसोर्सेज का, राइट. ऐसे ही हमारे पास पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज भी शायद ना करें, हो सकता है इट मे टेक टाइम कि उस कंट्री के एम्बेसी से बातचीत करके, राइट, केस टू केस बेसिस पर भी एक्सट्रेडिशन हो सकता है. जरूरी नहीं कि किसी कंट्री के साथ इंडिया का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो ही, नहीं भी है तो केस टू केस बेसिस पर हम नेगोशिएट कर सकते हैं, वी कैन नेगोशिएट ऑन अ केस टू केस बेसिस, ठीक है. तो वी हैव डन सेक्शन 3, आ गया सेक्शन 3 पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल अगर आप लिटिगेशन में हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो इस तरह के केसेस ले लिया कीजिए. हमारे पटियाला कोर्ट में ही, ठीक है ना, आकाश कुमार जैन का कोर्ट है, आकाश अनंत शाह, आकाश जैन का ही कोर्ट है ना, एक्सट्रेडिशन के मामले देखता है. आप समझ भी सकते हैं, पैसा अच्छा है, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या सिखाने लगे.
नहीं, ये भी काम है आपको, मैं प्रोफेशनली ट्रेन कर रहा हूँ, तो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू कि ये सेगमेंट जो है काफी पेइंग सेगमेंट्स है, बहुत अच्छा खासा पेमेंट आपको मिल सकता है। मुझे भी मिलने की उम्मीद थी लेकिन वो क्लाइंट भाग गया शायद गलती से फीस ज्यादा बोल रहे थे, हमें भी लगा आया हुआ है यूएस से देगा पैसे तो सेक्शन 4 गिव्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, बट एज द एक्सप्लेनेशन सेज द एक्ट कमिटेड मस्ट बी एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 4 आईपीसी, लेट अस हैव अ लुक एट इट। राइट, इसका मैंने एनालिसिस ही शुरू किया क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, खुद ही बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। लेट अस रीड सेक्शन 4। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड टू आईपीसी, पीटी का क्वेश्चन, राइट, अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो सेक्शन 3 का एक्सटेंशन समझ लो, दिस इज कोरोलरी टू सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 से अगर आपके डाउट्स रह गए हो, क्लियर ना हो, तो 4 पढ़ लो। राइट, सेम परिवार के दोनों सेक्शंस हैं। तो ये कहता है कि भारतीय नागरिक कहीं भी किसी स्थान पर जो भारत के बाहर है। राइट, अब भारत का बाहर होने का मतलब ये नहीं कि दूसरा देश हो ही, कई ऐसी जगहें हैं जो भारत के बाहर है लेकिन वो देश नहीं है, जैसे अंटार्कटिका भारत के बाहर है लेकिन देश नहीं है ना, जैसे कि चांद, चांद पे दो एस्ट्रोनॉट गए, एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया, ठीक है ना, तीन लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तीसरे की वजह से ये हालत हुई है, समझ ही जाओ ठीक है ना, मौका मिल गया भाई, चलो नासा, नासा में दोनों मिले, चांद पर गए, चांद पे कत्ल हो जाता है, ये ऑक्सीजन में ही कुछ ठीक है ना, हल्का सा मर गया दूसरा एस्ट्रोनॉट, काटा खत्म रास्ते का। अब नीचे आया वो, तो वो हो गया विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। राइट, तो देश तो ना हो कहीं लेकिन इंडिया के बाहर तो है ना। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, एनी पर्सन, तो फॉरेनर हो, इंडियन हो, एलियन हो, कुछ भी हो, भारतीय शिप या एयरक्राफ्ट पे रजिस्टर्ड, राइट, रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पे कोई ऑफेंस करता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, ही इज हिमसेल्फ सिटिंग अब्रॉड, राइट, लेकिन वो हैक कर रहा है इंडियन कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर जो कि इंडिया में या इंडियन टेरिटरी में इंडियन शिप पर कहीं पर भी वो सिचुएटेड है, उसे हैक करता है श्रीलंका में बैठे हुए, उसे हैक करता है ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, राइट, तो वो कोई भी हो सकता हो, फॉरेनर भी हो सकता है, एक अमेरिकन अमेरिका में ही अपने घर पे बैठते हुए आरबीआई के कंप्यूटर को हैक करता है या इंडियन डिफेंस सिस्टम के कंप्यूटर को हैक करता है, तो हम यूएस से उसकी एक्सट्रेडिशन मांग सकते हैं क्योंकि दैट पर्सन इज नाउ सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, राइट, वो हमारा अपराधी है, हम एक्सट्रेडिशन मांगेंगे ताकि हम उसे इंडियन लॉज के हिसाब से पनिश कर पाए। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। दूसरे शब्दों में कि ऑफेंस का मतलब हर वो एक्ट जो आईपीसी ने डिफाइन किया है ऑफेंस, चाहे जिस देश में किया गया हो वहां वो ऑफेंस नहीं हो, हो सकता है सऊदी अरेबिया में दैट इज एक्स एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन वो एक्स एक्ट इंडिया में ऑफेंस है, तो वो बंदा सऊदी अरेबिया में ही ऑफेंस करके आया है अपनी वाइफ के साथ, फिर इंडिया आएगा तो उसको सजा देंगे या वही रहेगा तो सऊदी अरेबिया से उसकी एक्सट्रेडिशन मांग के सजा देंगे, ठीक है। द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट, इसमें समझने की क्या बात है, कंप्यूटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट देख लो, राइट, कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, राइट, या कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एक्सेसरीज हैं उन सबको कंप्यूटर रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लो, ए हु इज इंडियन सिटीजन कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा,
he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. अगर पाया गया तो यही, ठीक है, और नहीं पाया गया लेकिन अगर FIR यहाँ हुआ, let's say कि victim के family members यहाँ FIR करते हैं, तो extradition की भी मांग की जा सकती है. There can be demand for extradition, but a prior sanction of central government would be required before starting the prosecution. Investigation में कोई problem नहीं. Investigation can be launched without prior sanction of the central government, but prosecution can be done. Investigation के अंत के बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें prior sanction of the central government चाहिए. ठीक है. तो सेक्शन 4 गिव्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. तो सेक्शन 4 इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 3 ओनली. सेक्शन 3 वाज ब्रीफ एंड कुड हैव लेफ्ट मेनी डाउट्स. सो क्लियर ऑल डाउट्स, राइट ऑल गैप्स. सेक्शन 4 एज एन एक्सेसरी टू सेक्शन 3 वाज ड्राफ्टेड टू गिव्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, बट एज द एक्सप्लेनेशन सेज द एक्ट्स कमिटेड मस्ट बी एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड. राइट, अगर वो किसी और लॉ में डिफाइंड ऑफेंस है, सेक्शन 4 डज नॉट अप्लाई. उसके लिए फिर वो लॉ जिसने उस ऑफेंस को डिफाइन किया उसी में कोई प्रोसीजर दिया होगा, वो देखिए. आईपीसी का सेक्शन 4 वहां पर एक्सटेंड आप नहीं करेंगे. लेट्स से एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर आईटी एक्ट व्हिच इज नॉट एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, तो उसके लिए फिर सेक्शन 4 आईपीसी अप्लाई ना करना. हाँ, अगर आईटी एक्ट का वो ऑफेंस और आईपीसी का कोई ऑफेंस ओवरलैप करते हैं तो फिर आईपीसी का भी चार्ज तो लगाओगे ना, तो लगा लो फिर सेक्शन 4. आईपीसी का चार्ज लगा तो ही सेक्शन 4 एप्लीकेबल है. एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच एन ऑफेंस वुड नॉट रिक्वायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 188 सीआरपीसी, बट एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 सीआरपी, इंक्वायरी 202 सीआरपी वुड रिक्वायर प्रायर सैंक्शन. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको. सच तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद Once the investigation is over, उसके बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं, याद है मैंने आपसे सीआरपीसी में कर रखा है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद जो स्टेज आता है वो क्या कहते हैं आप उसे, चार्जशीट फाइल होने के बाद और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बीच के जो पीरियड में जो हो रहा होता है, व्हाट इज दैट पीरियड कॉल्ड, सीआरपीसी में हमने कई बार इंक्वायरी पढ़ा, बट इंक्वायरी कौन करता है? उसमें फ्रेमिंग का इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज रहता है. तो हु डज द इंक्वायरी? कोर्ट. कोर्ट डज. राइट, मींस इंक्वायरी इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स. यस सर, ट्रू, इंक्वायरी इज द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स. जज कई स्टेजेस पे इंक्वायरी करता है. एक इंक्वायरी होती है जब चार्जशीट फाइल होती है, तो वो इंक्वायरी करता है कि कौन से चार्जेस फ्रेम करूं मैं, व्हाट चार्जेस शुड आई फ्रेम. राइट, दूसरा इंक्वायरी आप पढ़ते होंगे सेक्शन 202 सीआरपीसी में, याद है 202 सीआरपीसी, टेक इट आउट, प्राइवेट प्राइवेट कंप्लेंट या कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट. निकालिए निकालिए, प्लीज टेक इट आउट. सेक्शन 202 सीआरपीसी 2021 में था सर, कि वो रिस्ट्रिक्टेड पर्पसेस के लिए, कि सम्मन करना है नहीं करना है अक्यूज्ड को. जब आप accused कहाँ रहता था? Accused रहता था कोर्ट की jurisdiction के बाहर. Where an accused stays beyond the jurisdiction of the court. तो issue of process करने से पहले एक inquiry की जाती है, right? और inquiry का purpose क्या होता है? To ensure that an accused living beyond the jurisdiction of the court is not harassed, right? On flimsy grounds. तो ये inquiry है 202 वाली inquiry. तो ऐसे ना ट्रायल के दौरान भी कभी कभी इंक्वायरी हो सकती है, पॉसिबल या नहीं पॉसिबल. तो इंक्वायरी इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स, डू यू अग्री? हालांकि इंक्वायरी है प्री ट्रायल. चार्जशीट वाली जो इंक्वायरी होती है ना, चार्जशीट से इंक्वायरी करके जो चार्ज तक पहुंचते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो करते हैं, ये जो इंक्वायरी है ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग. लेकिन मैं बार बार आपसे कह चुका हूं सीआरपीसी में कि ड्यूरिंग द ट्रायल भी इंक्वायरी हो सकती है, बट हूएवर डज इट, इट्स ऑलवेज द कोर्ट. इंक्वायरी इज ऑलवेज डन ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, राइट? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं चाहिए. 188 सीआरपीसी का जो बार है,
इट्स नॉट ऑन इन्वेस्टिगेशन, इट्स ऑन ट्रायल राइट और इंक्वायरी और एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग और प्रोसिक्यूशन राइट दैट कैन नॉट बी डन विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. The procedure for securing extradition from India is laid down in the Extradition Act 1962, which is beyond the scope of this class right now. Extradition India mein kaise hoti hai, kaise ki jati hai, ye 1962 ka act hai, shauk se padhna chahe to aap padh sakte hain. Indian courts are empowered to try offences committed out of India on land or high seas or aircraft as we saw in this section. True. इंडियन कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन है अगर ऑफेंसेस कमिट हुए हैं इंडिया से बाहर तब भी. तो डजंट मैटर कि वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, व्हाट मैटर्स इज दैट वेदर दैट एक्ट इज डिफाइंड एज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड और नॉट. इफ यस देन द क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव ज्यूरिसडिक्शन वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय हुम, एन इंडियन सिटीजन. ठीक है. इफ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस द अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, the provisions of section 4 IPC and 188 CRPC are not applicable. Lekin yahan pe thodi clarification chahiye hogi, right? If at the time of commission of the offense accused person is not a citizen of India and the offending act has been done without and beyond India, right? India ke bahar, tab section 4 ya 188. Common sense ki baat hai. Ek American America mein apraadh kar raha hai, to America dekhe. Hum yahan pe kyun utavle hone lage? Right? Ki Biden pe FIR, Biden pe FIR. Indian citizen hota aur wo India ke bahar offense karta. तो हम इसे अदरवाइज लेंगे क्योंकि हमारा बंदा बाहर जाके हमारा नाम खराब करना है. अब आते हैं एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन पर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन? ठीक है, इसी सेक्शन 4 में इस डिस्कशन को कर लेते हैं. एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड ऑन द हाई सीज इज नोन एज एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन. अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन हाई सीज में भी ऑफेंस करता है, इंडिया के बाहर ऑफेंस करता है, तो हम उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया. तो हाई सीज पे करता है तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन चाहिए. ठीक है, सवाल उठता है कि उसका ये ट्रायल होगा कहां, किस कोर्ट में? तो हाई सीज पे किए गए ऑफेंसेस के लिए हम सजा तो देंगे एक भारतीय नागरिक को, लेकिन किस कोर्ट द्वारा? एडमिरल्टी कोर्ट द्वारा. और इंडिया में एडमिरल्टी कोर्ट हाई कोर्ट होता है. ठीक है, तो एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या आता है? इट एक्सटेंड्स ओवर ऑफेंसेस कमिटेड ऑन इंडियन शिप्स ऑन द हाई सीज, ऑफेंसेस कमिटेड ऑन फॉरेन शिप्स इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, अगर इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स है, और शिप बेशक विदेशी है लेकिन टेरिटरी इंडिया का हो गया ना, तो आई गेटिंग माय पॉइंट. या पायरेसी, पायरेट्स को हमने पकड़ा तो पकड़ के हम उसे सजा भी देंगे. लेकिन ये तीनों जो है ना एडमिरल्टी सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं, दीज आर कॉल्ड, पीटी के लिए याद कर लो. तो इंडियन शिप्स पर ऑफेंस हुआ है जो हाई शिप में, हाई सीज में है, तो यानी कि इंडिया के टेरिटरी से बाहर लेकिन जहाज इंडिया का, उस पर इंडियन सिटीजन ने ऑफेंस किया हो या किसी ने किया हो क्योंकि जहाज इंडिया का है, या फॉरेन शिप लेकिन इंडियन की टेरिटरी है, टेरिटोरियल वाटर्स इंडिया की है, और पायरेसी, राइट? ये तीन सब्जेक्ट मैटर्स पर किस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा? एडमिरल्टी कोर्ट का. और एडमिरल्टी कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट है. Right. In India, admiralty jurisdiction has been given only to the high courts and to no other courts. Right. Section 6 se lekar 33 tak,
ज्यादा एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेयर एक्ट से डायरेक्टली पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ सेक्शंस का आपको बेयर एक्ट बनाकर दिया है, नोट्स में आगे आएगा। लेकिन वो करने से पहले हम एक लैंडमार्क केस है एनरिका लेक्सी केस, वो पढ़ लेते हैं। हाँ, केरला एनरिका लेक्सी केस, इफ यू रिमेम्बर द ब्रीफ स्टोरी, इट सो हैपेंड दैट देयर वाज अ बोट रजिस्टर्ड इन इंडिया कैरिंग 11 फिशरमैन हु वर फिशिंग ऑफ द केरला कोस्ट, केरला कोस्ट से थोड़ी दूरी पर वो फिशिंग कर रहे थे, वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में ही थे। अब इधर थोड़ी दूरी पर, यानी कि 20.5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर, 20.5 नॉटिकल माइल्स मतलब इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स से बाहर, एक इटालियन शिप जिसका नाम था एनरिका लेक्सी, उसमें जो मरीनर्स थे, दो मरीनर्स को बाद में अरेस्ट किया गया, उन्होंने गोलियां चला दी इस बोट पर। ठीक है, बोट पर गोलियां चला दी, दो फिशरमैन इंस्टेंटेनियसली मारे गए, टू फिशरमैन डाइड इंस्टेंटेनियसली, द शिप वाज अरेस्टेड। टेरिटोरियल वाटर्स के तो बाहर था, लेकिन वो शिप इंडिया के कॉन्टिगुअस जोन में था, राइट? कॉन्टिगुअस जोन टेरिटोरियल वाटर्स तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंडिया के लॉज उस पर अप्लाई होते हैं, राइट? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है कॉन्टिगुअस जोन में, दैट कॉन्टिगुअस जोन कंटेन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर हम इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए बहुत सारे रिसर्च एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं। तो ये बेशक इसे टेरिटोरियल वाटर्स में आप नहीं कहेंगे, लेकिन कॉन्टिगुअस जोन में था, तो शिप को अरेस्ट कर लिया गया। अब क्वेश्चन उठा कि केरला पुलिस इनको अरेस्ट करके, इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूट कर सकती थी कि नहीं, वेदर द स्टेट ऑफ केरला कैन प्रोसिक्यूट और नॉट। टेक्निकली देखा जाए तो एक व्यू ये है कि द ऑफेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया, ऑफेंस इंडिया में हुआ, लेकिन गौर करेंगे कि एक्चुअली हम इंडिया में हुआ ये तब कह सकते थे अगर वो टेरिटोरियल वाटर्स में शिप रहा होता, इफ द शिप वॉज इन द टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन सॉवरेंटी कंप्लीट नहीं, राइट? दैट इज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंफ्यूजन यही थी कि उसे इंडिया कहे कि ना कहे। नो डाउट कुछ पर्पसेस के लिए इंडिया को वहां पर उस जोन में एक्सक्लूसिव राइट था, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन समुद्री तल पे करने का एक अधिकार इंडिया का था, मतलब वो करेगा तो सिर्फ इंडिया करेगा, लेकिन वो पानी पूरा इंडिया का था कि नहीं था, राइट? अब जाहिर सी बात है, आपने मुझे अपने खेत में घास काटने का अधिकार दिया, तो मैं आपके खेत में घास काटने तो जा सकता हूँ, घर तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि वो खेत मेरा तो नहीं हुआ। उसी तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट, अंडर द इंटरनेशनल ट्रीटी which is given to India, right? But that is not India. Got my point? So Kerala High Court में इन लोगों ने एक writ petition डाला for quashing of the FIR. दो mariners Italy के, वो FIR को quash कराना चाहते थे, यही कह कि we were beyond the territorial waters, so we were not in India, right? Being a foreigner, had I committed an offence in India, I would have been amenable to the Indian court's jurisdiction, but not in this case. Kerala High Court ने उनकी इस petition को dismiss कर दिया, कहा कि नहीं नहीं तुम इंडिया ही में हो। मामला Supreme Court तक गया, Supreme Court ने थोड़ी सी interpretation बदली। Supreme Court ने कहा कि छोड़ेंगे तो तुमको नहीं, narrative change कर देते हैं। Government of Kerala cannot prosecute you, right? United Nations Convention on the Law of Seas. Section 100, Article 100, sorry.
अनक्लॉज का आर्टिकल 100 है जो ओब्लाइज करता है कि कॉन्टिगुअस जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कोई फॉरेनर आकर अपराध करता है तो सजा देश के कानून के हिसाब से ही दिया जाएगा, लेकिन प्रोसिक्यूट करेगा यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? हु विल बी प्रोसिक्यूटिंग? यूनियन ऑफ इंडिया। तो प्रोसिक्यूट तो तुम होगे, दो इटालियन, सुनो मेरी बात, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, बट द केरला गवर्नमेंट विल नॉट प्रोसिक्यूट यू, यूनियन ऑफ इंडिया विल प्रोसिक्यूट। आई होप दैट इज क्लियर। तो यहां पर गौर करा आपने कि चूंकि वो कॉन्टिगुअस जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया की टेरिटरी नहीं कही जा सकती पूर्णतया, कैन नॉट बी कॉल्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्लीटली, राइट? इसलिए वहां पर हम इंटरनेशनल लॉ को भी लगाएंगे, राइट? सजा हमारे देश के कानून से मिलेगा, लेकिन हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे इंटरनेशनल लॉ का, अपने लॉज का, कि ताकि हारमोनी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कह दी कि अगर वर्स्ट केस में हारमोनी न रहा तो मान लो कि हमारा देश का कानून जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसके कॉन्ट्ररी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर अल्टीमेटली द लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल, अल्टीमेटली द लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल। ये ऑफेंस अगर हाई सीज में रहा होता तो शायद हम डिफरेंट जवाब देते, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल, मतलब कि हम सजा तो देंगे ही, क्योंकि इवन इफ दैट कॉन्टिगुअस जोन और ईजेड वॉज नॉट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट, स्टिल इंडिया हैड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ओवर दैट टेरिटरी, वहां पर एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये एनरिका लेक्सी केस में ना एक गैप था आईपीसी में, ये जो क्वेश्चन आया आईपीसी का इसमें जवाब ही नहीं था कोई। आईपीसी दो ही चीजें रिकॉग्नाइज करता है, या तो इंडिया या आउटसाइड इंडिया। ये कॉन्टिगुअस जोन, राइट, ग्रे एरिया निकल आया, ना पूरा इंडिया है ना पूरा आउटसाइड इंडिया। तो फाइनली द क्वेश्चन वॉज सेटल डाउन इन एनरिका लेक्सी केस, राइट? इसमें जस्टिस चेलामेश्वर का बहुत अच्छा ओपिनियन भी था। देयर इज अ फिशिंग बोट रजिस्टर्ड इन इंडिया व्हाइल फिशिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला was fired at from passing Italian ship named Enrica Lexi. Two fishermen died instantaneously. The ship was arrested and two Italian mariners were arraigned as accused. The accused filed petition in the Kerala High Court for quashing of the FIR. The main contention of the accused was that the incident occurred at a place which was 20.5 nautical miles from coast of India. This was outside the territorial waters of India, though it was well within the contiguous zone and exclusive economic zone of India. ठीक है? Delhi's in short, right? The High Court dismissed their petition, holding that Section 2 of IPC was extended in operation to EEZ by notification of 1981. Right? High Court का ये judgment सही था। High Court ने petition dismiss कर दिया। तो आगे चलकर Supreme Court ने High Court के ratio को uphold ही किया है, बस ground थोड़े बदल दिए। तो इसने कहा कि 1981 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन के तहत इंडियन पिनल कोड को एक्सटेंड कर दिया गया था ईईजेड तक, इसलिए आपका ये रिट पिटीशन जो है वो ग्राउंडलेस है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी चेंज करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस द इंसिडेंट अकर्ड इन द कॉन्टिगुअस जोन द यूनियन गवर्नमेंट एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट वाइड आर्टिकल 100 ऑफ अनक्लॉस 982। तो हम चूंकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के साइनेटरी हैं, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन भी हमें मानना चाहिए, राइट? और उसके तहत प्रोसिक्यूटर बदलना होगा, गवर्नमेंट ऑफ केरला नहीं बल्कि यूनियन ऑफ इंडिया प्रोसिक्यूट करेगा। सो हु विल बी प्रोसिक्यूटिंग? यूनियन ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस केस से हमने एक चीज सीख ली कि जो इंडिया नहीं है लेकिन आउटसाइड इंडिया भी नहीं है, वहां भी सेक्शन 2 आईपीसी लगेगा, दैट इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिगुअस जोन जो होगा हमारा, सेक्शन 2 आईपीसी इज एप्लीकेबल, राइट? और एवरी पर्सन हु कमिट्स ऑफेंस इन दैट टेरिटरी इज सब्जेक्ट टू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है।
Now let us see section 6. It's an important section. ये breakup. ये मैंने section 6 का आपको breakup दिया. तो अब आपको Bayer Act पढ़ने की जरूरत नहीं है for section 6. यही breakup काफी है. Throughout this code insists किया हुआ है मतलब कि section 6 apply करेंगे तभी जब offence IPC वाला होगा. ठीक है. Every definition of offense shall be understood. Understood मैंने capital letters में लिखा है. बताऊंगा क्यों. Subject to the exceptions, that is defenses contained in the chapter general exceptions. Background आपको बता दूं. Indian Penal Code में एक chapter है. उस chapter का नाम है general exceptions. From section 76 to section 106, both inclusive. इन सभी में वेरियस ग्राउंड्स दिए हुए हैं जो एक एक्यूज्ड अपने आप के डिफेंस के लिए यूज कर सकता है अगर उसके पास एविडेंसेस हैं तो. राइट. जैसे कि प्राइवेट डिफेंस जो सबसे वेल नोन है वही एग्जांपल उठाता हूं. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जिसमें आता है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस. राइट. तो सेल्फ डिफेंस में अगर हम कुछ करते हैं उसमें नो डाउट मेंस रिया भी है एक्टस रियस भी है लेकिन जस्टिफाइड है. राइट. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी ने ए को किडनैप कर लिया और उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया. ठीक है. टॉर्चुअस कंडीशंस हैं. किडनैप हुआ है आदमी. जान का खतरा है. ऐसे में वो अब अपने किडनैपर से बचने के लिए वहां पर टूटे चेयर का एक पायदान उठा लेता है. फुट ऑफ ब्रोकन चेयर काफी मोटी लकड़ी थी और किडनैपर्स के भी ध्यान में नहीं था कि अंदर ऐसा कुछ है और उठाकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता है. जैसे ही एक किडनैपर दरवाजे के अंदर आता है एकदम तेजी से वो उस डंडे को उसके सर पे मारता है उसी हल्की रोशनी इतना तेज कि उसका सर फट जाता है. स्टार्ट्स प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग. ठीक है. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि आईपीसी ने जान से मार देने तक का अधिकार दिया हुआ है. राइट टू सेल्फ डिफेंस में राइट आई कैन कॉज इवन डेथ ऑफ द पर्सन. राइट. अपने आप को बचाने के लिए क्योंकि मेरी खुद की जान में खतरा है. अब यहां पर मेंस रिया भी है. मारा तो जानबूझकर है बाकायदा सोच समझ कुछ हद तक कहें तो कोल्ड ब्लडेड तैयार खड़े एकदम तैयारी में दरवाजा खुले और मैं मारूं. और एक्टस रियस तो है ही है. ह्यूमन इंजरी भी हो ही गई. ग्रीवियस हर्ट भी है. इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट तो पूरे होते हैं और अकल को अगर उसकी डेथ हो गई तो 302 के भी इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे. लेकिन ये जस्टिफाइड है. Are you getting my point? So in this chapter of general exceptions, we have a list of grounds, one of which or more than one can be claimed by the accused in his defense. कि जहां पर prosecution has been able to establish the offense of the accused, establish the charge, वहां पर अब accused चाहे तो अपने आप को बचा सकता है इनमें से कोई एक ग्राउंड लेकर. गौर करना एक एक्यूज्ड अपने आप को कई लेवल्स पे बचाने की कोशिश कर सकता है. लेवल वन जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस चल रहा हो वहां पर एक्यूज्ड अपनी तरफ से डिफेंस कुछ ना लाए प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को ही तोड़ दे बाय इंपीचिंग क्रेडिट ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस by impeaching the character of the prosecution witness, right, by proving the prosecution witness to be liar, by bringing up inherent contradictions in the statements of the prosecution witness, right, jam ke cross examination karke dharashayi kar de ki prosecution evidence jab complete ho to judge ko lage ki evidence itne hai hi nahi ki conviction ho sakti hai to defense ki zarurat kya hai. Where the prosecution itself could not stand on its feet
व्हाट इज द नीड ऑफ डिफेंस। यहाँ पे गौर करना कि जनरल एक्सेप्शन चैप्टर की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, वो तो जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होने के बाद अगर सफिशियंट लगता हो कन्विक्शन के लिए, तब जज साहब 313 का एग्जामिनेशन लेते हैं अक्यूज से। छोड़ो, आग लगेगी तब देखा जाएगा, रहने कोई बात नहीं, कल भी तो लगाई था ना, दिल्ली में आओ है बात आग लगना, ठीक है ना। ठीक है, लगने दो तो। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा था मैं। तो जनरल एक्सेप्शंस की नौबत ही नहीं आई, बट वेयर द प्रोसिक्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स केस, तो फिर 313 का एग्जामिनेंट भी जज लेगा, फिर जज कहेगा कि तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ लाना है, तो वहां पे एक्यूज्ड फिर जनरल एक्सेप्शंस का कोई एक सेक्शन उठाकर ला सकता है और साथ में एविडेंसेस कि राइट ये अपराध तो हुआ है लेकिन क्यों वो जस्टिफाइड है, राइट, तो तब वो ला सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अब यहां पर आता हूं मैं, क्यों मैंने आपको जनरल एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट बता दिया, उसमें आपके ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस लिए हुए हैं जो एक्यूज क्लेम कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, तब जब उसके एविडेंस का टाइम आएगा, व्हेन देयर विल बी टाइम फॉर डिफेंस एविडेंस। अब अंडरस्टूड वर्ड मैंने क्यों कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसके लिए हमें पढ़ना होगा पहले सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ चैप्टर में आपको मिलेगा सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट निकालिए, When a person is accused of any offence, जब किसी व्यक्ति पर किसी ऑफेंस का इल्जाम लगता है, चार्ज लगता है, the burden of proving the existence of general exceptions, और वो accused जब अपने डिफेंस में general exception कोई क्लेम करता है तो उस general exception को साबित करने का burden उसी accused पर ही है, यानी कि accused ही वो सारी परिस्थितियां कोर्ट के सामने लाए जिससे कि वो राइट टू सेल्फ डिफेंस का क्लेम कर सके, राइट ये उसके ऊपर है। तो कोई भी जनरल एक्सेप्शन या स्पेशल एक्सेप्शन जो आईपीसी के सेक्शंस के साथ ही दिए हुए हैं, जैसे सेक्शन 300 के साथ जो दिए हुए वो स्पेशल एक्सेप्शन है, तो अगर कोई अक्यूज्ड अपने आप को बचाने के लिए जनरल एक्सेप्शन या स्पेशल एक्सेप्शन को क्लेम करता है, ठीक है, तो साबित भी वही करेगा, जज प्रेज्यूम नहीं करेगा कि द केस फॉल्स इन जनरल एक्सेप्शन, राइट, रादर द जज विल ऑलवेज प्रेज्यूम दैट देयर इज नो एक्सेप्शन, जज विल ऑलवेज प्रेज्यूम एब्सेंस ऑफ एक्सेप्शन, मतलब उल्टा प्रेजम्पशन की ड्यूटी दी है जज को, तो लिखा हुआ है द कोर्ट शैल प्रेज्यूम द एब्सेंस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, यानी कि कोर्ट पहले ही से एक्यूज्ड के एक तरह से समझो कि खिलाफ स्टैंस बना के चल रहा है, जानते हो क्यों, वो इसलिए क्योंकि जिस स्टेज पर 105 लगता है उस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस ऑलरेडी आ चुका है रिकॉर्ड पे, और प्रोसिक्यूशन एविडेंस से जज कन्विंस्ड है तभी वो अब एक्यूज्ड के खिलाफ ही चल रहा है, क्योंकि देखा जाए कि इस स्टेज पर अगर एक्यूज अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता है तो कन्विक्शन तय है। Are you getting my point? So, इसलिए the stance of the judges, inclination of the judges against the accused, and hence the judge will presume there is no exception. So, if Mr. Accused, you want to claim right to self-defense, you prove, you bring the circumstances, right, with evidences to establish that you deserved to exercise the right to self-defense at the relevant point of time. Got my point? लेकिन बता दूं आपको सेक्शन 6 का ये अंडरस्टूड जो है ना ये कहता है
कि अगर रिकॉर्ड पर मटेरियल्स हैं और उन मटेरियल्स में ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो इंडिकेट करते हैं जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर के किसी एक या एक से ज्यादा एक्सेप्शंस की तरफ, और एक्यूज्ड ने उस एक्सेप्शन का दावा नहीं किया, फिर भी जज की ड्यूटी बनती है कि वो उस एक्सेप्शन वाले मटेरियल्स को कंसिडर करके जजमेंट दे। तो थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? 105 कहता है कि जनरल एक्सेप्शन प्रूफ करने का बर्डन किसका है? एक्यूज्ड का। सेक्शन 6 कहता है कि जज को खुद से प्रेज्यूम करना है, प्रेज्यूम नहीं कंसिडर करना है। मुझे नहीं लगता दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टू। कॉमन सेंस लगाओ। सिंपल सी बात है यार, सेक्शन 105 तब लगता है जब पहले से ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं जो इंडिकेट करता हो एक्सेप्शन की तरफ, और सेक्शन 6 तब लगता है जब इनफ मटेरियल्स ऑलरेडी हैं, एक्यूज ने नहीं लाए, छोड़ दो ना वो सब चलता रहता है इसका, राइट, एक्यूज ने नहीं लाए, लेकिन फिर भी अगर रिकॉर्ड पर है मटेरियल्स जिसको देख के कोई भी रीजनेबल मैन ये कहेगा कि एक्यूज वॉज जस्टिफाइड इन डूइंग दिस, तो सिर्फ इसलिए कि एक्यूज चुप रहा तुम सजा दे दोगे उसको? तुम न्याय करने बैठे हो या वकालत? यू हैव टू डू जस्टिस देयर माई डियर लॉर्डशिप, राइट? हाउ कैन यू बी ब्लाइंड टू द फैक्ट्स दैट आर ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड एंड प्रूव्ड वंस। अब जैसे केस में प्रोसिक्यूशन ने ना पूरा कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने के बाद चार्जशीट के साथ सब लगाया, इंक्लूडिंग डॉक्टर का सर्टिफिकेट, जिसे कि साफ पता चल रहा था कि एक्यूज दिमागी हालत से ठीक नहीं था, जो एक्यूज थी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो प्रोसिक्यूशन खुद ही कह रहा है कि एक्यूज पागल था, राइट, प्लीज डोंट माइंड माई लैंग्वेज, यहाँ पे मेरी मजबूरी है बोलना, राइट, ऑल्दो आई स्ट्रॉन्गली डिसलाइक यूजिंग सच वर्ड्स, लेकिन बोलना पड़ रहा है मुझे। तो जब प्रोसिक्यूशन खुद ही कह रहा है कि एक्यूज लुनेटिक है, इनसेन है, राइट, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा, उसी समय पता चल गया होगा, फिर गया होगा साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के पास, दुनिया जहान के पास, जो भी, तो ऑन रिकॉर्ड एक्यूज की तरफ से या डिफेंस काउंसिल की तरफ से कुछ नहीं लाया गया। चार्जशीट के साथ जो मटीरियल थे उसमें ही क्लियर हो रहा है कि द एक्यूज्ड इज इनसेन। सेक्शन 84 आईपीसी एक ग्राउंड है इनसेनिटी का। इनसेनिटी इज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस अंडर सेक्शन 84 आईपीसी। तो क्या जज अपनी आंखें बंद कर लेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि डिफेंस काउंसिल ने सेक्शन 84 नहीं बोला? अरे जब है मटेरियल तो हाउ कैन यू डिनाई दैट? हाउ कैन यू बी ब्लाइंड टू द मटेरियल्स दैट आर ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, राइट? सेक्शन 6 ये कहता है कि चैप्टर जो है ना जनरल एक्सेप्शंस का, वो आईपीसी के सभी सेक्शंस का हिस्सा है, यानी कि आईपीसी के जितने भी सेक्शंस हैं, आई गेटिंग माय पॉइंट, आईपीसी के जितने भी सेक्शंस हैं जो कि ऑफेंस को डिफाइन करते हैं, उसमें जनरल एक्सेप्शंस वाले जितने भी सेक्शंस है ना, मान के चलो कि जुड़े हुए हैं, यानी कि एवरी ऑफेंस डिफाइंड बाय आईपीसी contains in itself all the general exceptions, यानी कि हर अपराध से बचने के लिए general exceptions का इस्तेमाल तुम, तो एक जज को हर सेक्शन पढ़ते समय general exception भी ध्यान में रखना होगा, रखना ही होगा। अब जैसे सेक्शन 302 should be read with the chapter of general exceptions, सेक्शन 299 should be read with the chapter of, सेक्शन 420 should be read with the chapter of जनरल एक्सेप्शन, सब सब हर एक ऑफेंस। तो ये मानना है कि चूंकि हर सेक्शन में ना बार बार ये 32 सेक्शन नहीं लिख सकते थे, इसके लिए अलग चैप्टर बना दिया और कहा कि हर सेक्शन के साथ इसको पढ़ते रहो, यानी कि जो चैप्टर ऑफ जनरल एक्सेप्शन है वो पार्ट है हर उस सेक्शन का आईपीसी में जो ऑफेंस को डिफाइन करता है।
तो जज साहब जब चार्ज पढ़ेंगे तो चार्ज में 76 से 106 भी देखना होगा उनको, क्योंकि हर चार्ज का ये पार्ट है। राइट, जज साहब जब 302 का चार्ज लगाएंगे तो 302 मस्ट बी रेड विद सेक्शन 76 टू सेक्शन 106, और 76 से 106 के बीच का अगर कोई मटेरियल जज साहब के रिकॉर्ड पर है, प्रूवन है, तो जज साहब उसका ध्यान रखेंगे एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट। राइट, चाहे एक्यूज्ड वो क्लेम करे या ना करे। जब ऑलरेडी कोई मटेरियल रिकॉर्ड पे नहीं होता है और प्रोसिक्यूशन का केस एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, तब एक्यूज्ड अपने आप को बचाने के लिए जब खुद कोई जनरल डिफेंस क्लेम करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट का बर्डन हो प्रूव करने का, और वहां पर जज उसके खिलाफ स्टैंड लेते हुए एब्सेंस ऑफ जनरल एक्सेप्शन प्रूव करेगा, प्रज्यूम करेगा। जज ये मानकर चलेगा कि देयर इज नो जनरल एक्सेप्शन अवेलेबल टू दिस एक्यूज्ड, ये झूठा है। राइट, जिसका मतलब कि एक्यूज्ड का अपना डिफेंस प्रूव करने का बर्डन थोड़ा सा कठोर है। ठीक है, वो अपने आप को बचाने के लिए जनरल एक्सेप्शन जब प्रूव करेगा तो पर्याप्त एविडेंसेस लाएगा जिससे कि जज कन्विंस्ड हो जाए कि यस देयर वाज जनरल एक्सेप्शन। तो एक तरफ ऑफेंस भी एस्टैब्लिश हो गया, दूसरी तरफ एक्सेप्शन भी मिल गया एक्यूज्ड को, मतलब जस्टिफाइड है। ऑफेंस तो किया मैंने हुजूर, लेकिन वो जस्टिफाइड निकला, डिड बट इट वॉज जस्टिफाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, तो एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस शैल बी अंडरस्टूड, जज साहब को भी मानना पड़ेगा कि अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। राइट, तो हर ऑफेंस जो आईपीसी में हम पढ़ेंगे दे ऑल आर सब्जेक्ट टू द चैप्टर ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। इलस्ट्रेशंस तक, एवरी इलस्ट्रेशंस ऑफ एवरी सच सेक्शन ऑफ आईपीसी शैल ऑल्सो बी अंडरस्टूड subject to the exceptions contained in the chapter of general exceptions. So it is for the purpose of avoiding repetition that a separate chapter has been dedicated to this, or else with every section defining offense all the sections 36 to 106 would have been written. ठीक है, ये हर accused का अधिकार है अपने आप को बचाने के लिए claim कर सकता है। एनालिसिस देखते हैं। The exceptions contained in the chapter of general exceptions should be read as part of every section that defines offense. Is that clear? Right. तो जज साहब जब चार्ज पढ़ेंगे तो 76 से 106 वाला खुद ही पढ़ना होगा उनको। मतलब कि अगर जज साहब को रिकॉर्ड्स में जनरल एक्सेप्शन की तरफ इशारा करने वाला कुछ भी अगर पर्याप्त मिलता है तो जज साहब को वो कंसिडर करना पड़ेगा। एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन वो नहीं डाल देंगे। 105 तब लगता है जब मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड ना हो इंडिकेटिंग एनी सेक्शन ऑफ जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हार्मोनाइज द टू सेक्शंस। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी is proviso to section 105 of the Evidence Act? जी हाँ, section 6 of IPC is proviso, exception to section 105. On reading this section with section 105 of Evidence Act, we get a little confounded. थोड़ा सा हमें confusion होता है. So let us try to harmonize the two. तो इसके लिए पहले section 105 देख लेते हैं. यहीं पर लिखा हुआ है, the burden of proving that case of accused comes within exceptions. When a person is accused of any offense, aur wo dawa karta hai, he claims in his defense any one of the exceptions contained in the chapter of general exceptions or a special exception, right? Ya any law defining the charged offense, hai na? Koi bhi aur dusra act bhi to ho sakta hai na? 105 to sab pe lagta hai. Jisne ki offense ko define kiya hua ho, to wo claim karta hai. ऑफेंस तो किया है सर, लेकिन मेरे पास ये डिफेंस है, जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर का डिफेंस है। ठीक है, तो जब साहब कहेंगे फिर साबित करो। सो द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस इन आईपीसी
इज अपॉन हिम, क्लेम उसका है, बर्डन भी उसका है। लेकिन ये कब लगाते हैं? जब पहले से प्रोसिक्यूशन द्वारा लाए गए एविडेंसेस में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो जनरल एक्सेप्शन की तरफ खुद ही इशारा करे। अगर वो खुद इशारा करे तो जज देखेगा, जज अंधा भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द कोर्ट शैल प्रेज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। इतना बुरा क्यों भाई? क्योंकि 105 की नौबत तब आती है जब पीई खत्म हो चुका है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो चुका है। और वो भी नौबत तब आती है जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर्याप्त है, सफिशियंट है गिल्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, तभी तो डिफेंस का मौका आएगा, नहीं तो जज उसी समय कर देगा काम खत्म, एक्विटल। है ना, पढ़ा है ना हमने सीआरपीसी में। तो इसलिए चूंकि जज देख चुका है प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो सफिशियंट है एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, इसलिए वो थोड़ा नेगेटिव प्रेजम्पशन करके चल रहा है कि इस अक्यूज के पास कोई जनरल एक्सेप्शन का बचाव नहीं है। और अगर है तो अक्यूज महाशय आप ही सारे सर्कमस्टांसेस मेरे सामने रखिए कि हम सोचे कि देयर वॉज सर्कमस्टांस इन विच यू आर कंपेल्ड टू कमिट दिस ऑफेंस इन योर डिफेंस और वॉट सो एवर। ठीक है, तो ये है 105। On the other hand, Section 6 of IPC imposes an obligation on the court to consider the case of exceptions on its own, because exceptions should be read as part of the section defining the offence. है ना? ये लिखा हुआ है ना? Section 6 में तो यही लिखा हुआ है। तभी मैंने understood word पे गौर किया था। तो Section 6 तो बल्कि court को मजबूर करता है कि जनरल एक्सेप्शन वाला कुछ भी अगर आपको दिखे तो आप उसे कंसीडर करो, चाहे अक्यूज्ड बोले ना बोले आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच हार्मोनी कैसे लाएं? तो वी कैन हार्मोनाइज बाय सेइंग दैट वेयर द मटेरियल्स ब्रॉट बाय द प्रोसिक्यूशन इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर ऑफ जनरल एक्सेप्शंस, देन द कोर्ट मस्ट नॉट एक्सपेक्ट द अक्यूज्ड टू एसर्ट द सेम, रादर शुड गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द सेम ऑन इट्स ओन। पैराग्राफ समझ में आया? जहां पर प्रोसिक्यूशन द्वारा लाए गए मटेरियल्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जनरल एक्सेप्शन का कोई सेक्शन एप्लीकेबल है, तो जज साहब इंतजार ना करें अक्यूज्ड के एजर्शन का, बल्कि स्वयं कंसिडर करें, स्वयं अपने आप से उसको कंसिडर करें। राइट, वेयर द मटेरियल्स ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन मेक्स नो सच इंडिकेशन, जो पहले से लाए हुए मटेरियल्स उसमें कहीं इस तरफ की ओर इशारा नहीं है, तब 105 लगेगा। तब क्या लगेगा? एविडेंस एक्ट का। अब एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक केस में, अब्दुल लतीफ केस में, प्रोसिक्यूशन जो लाया ना डॉक्यूमेंट्स, उसमें मैंने आपको बताया ना इंसेनिटी वाले डॉक्यूमेंट्स भी खुद ही ले आया, और प्रोसिक्यूशन ही एडमिट कर रहा है कि दिस पर्सन इज इनसेन। ठीक, डिफेंस काउंसिल ने इंसेनिटी का डिफेंस लिया ही नहीं। ठीक है, लोअर कोर्ट से गलती हो गई, लोअर कोर्ट ने देखा वही है। ठीक है ना, एग्जाम पास करके जुडिशरी में आ गया था। ठीक है, नहीं आपकी ट्रेनिंग तो कोर्ट में हो रही है ना, तो आपको वो सारी प्रैक्टिकल चीजें भी समझाई जा रही हैं, ताकि कल को कोर्ट में, हमारे कोर्ट में आप जज बनकर आए तो हमारे गुस्से का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, नहीं तो पुअर क्वालिटी जजेस हैव टू सफर एट द हैंड्स ऑफ द बार। बार का काम जजेस को सुधारना भी है, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो अब्दुल लतीफ केस में गलती ये हो गई लोअर कोर्ट से, कहा कि भाई इंसेनिटी तो प्रेस किया नहीं प्रोसिक्यूशन, डिफेंस ने, और प्रोसिक्यूशन ने किया हुआ था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने एक जगह डॉक्यूमेंट जमा किया हुआ था इंसेनिटी की, सर्टिफिकेट और एडमिशन था। जब साहब ने PW1 PW2 सारा खंगाल दिया, सब कुछ कर करा के कह दिया कन्विक्टेड। डिफेंस काउंसिल जो मिला हुआ था एक्यूज्ड को, वो लीगल सर्विसेज वाला था,
ठीक है, महान वकील रहा होगा, ठीक है, जो थोड़ा बहुत पैसा उसको मिला उसमें मैनेज किया उसने, ठीक है, प्लीज डोंट टेक इट एज, ये मेरा सार्कैज़म जरूर है, मैं समझता हूं कि गिनी पिग्स नहीं बनाना चाहिए लोगों को, ठीक है, आपका, आप भी लॉ पढ़ रहे हैं और आप यंग हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको सीखने के लिए, तजुर्बे के लिए एक्सपोजर चाहिए, तो एक्सपोजर ऐसा लो कि कोई गिनी पिग ना बन जाए, कि उस पर लैब एक्सपेरिमेंट कर डाला। भाई जूनियर डॉक्टर्स को सीनियर डॉक्टर्स के साथ सीखना होगा, ट्रू, लेकिन मरीज को मेंढक तो नहीं बनाएंगे ना, कि सीनियर कहे कि आज जूनियर तुम कर किस सर्जरी, देखो पढ़ा हुआ बच्चे ने अच्छा 98% लाया था, लेकिन सर्जरी तो 40% वाला भी कर सकता है, बशर्ते कि 10 सालों से कर रहा है, तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, तो इसलिए मेरा यह सार्कैज़म है कि ताकि तुम इसे समझो और अपनी क्वालिटी इंप्रूव, दिस इज एन एड्रेस टू ऑल दोज हु आर गोइंग इनटू लिटिगेशन, मस्ट इंप्रूव योर क्वालिटी, राइट। एनीवेज, तो उसने डिफेंस काउंसिल ने कहीं पर भी ये मानो कि एजर्ट ही नहीं किया, प्रेस नहीं किया, जज साहब ने कन्विक्शन कर दी, सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट बिलो हैज अर्ड व्हेन देयर वाज मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, व्हाई डिड ही वेट फॉर द अक्यूज्ड टू एजर्ट दैट एंड व्हाई डिड ही थिंक दैट सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल, should the judge be a blind man when he can see the materials on the record and weigh the materials and take rational decision, why didn't he do that, right। ek technical issue ye bhi aa jata hai ki suppose that document did not get marked, are criminal case yaar, kisi ki jaan jayegi, somebody is going to be hanged till death, आप वेट करते हैं कि पार्टी मार्किंग कराए, सिविल केसेस में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सिविल केस में डोमिनस लिटस का कॉन्सेप्ट होता है कि लिटिगेंट इज द डोमिनेंट, तो राजा तुम हो तो तुम ही करो, हम क्यों करें, राइट। सिविल केसेस में ऐसा होता है जिसे बोलते हैं डोमिनस, राइट, हु डोमिनेट्स द केस, द वन हु इज द लिटिगेंट। क्रिमिनल केस में कैसे, पर्सनल लिबर्टी का सवाल है भाई, जब आपके पास था रिकॉर्ड पे, आप खुद करते एग्जामिन, सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट आपको क्यों दिया गया है, आप पूछते प्रोसिक्यूशन से, यार ये मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिख रहा है, क्या माजरा है, ये आदमी क्या उस दिन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इंसेनिटी था, राइट, पूछते तुम, है ना पावर तुम्हारे पास, राइट। सेक्शन 6 पढ़ा आपने, तो कोर्ट बिलो हैज हर्ट, कोर्ट बिलो से गलती हो गई, उसने सेक्शन 6 की जगह 105 एविडेंस एक्ट पर रिलाई किया, भूल गया कि सेक्शन 6 का अपना डोमेन है, सेक्शन 105 का अपना डोमेन है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड सेक्शन 6 में रादर बी रेड एज प्रोविजो टू 105, तो एक्सेप्शन ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द जनरल, प्रोविजो ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द जनरल रूल कंटेंड इन द सेक्शन, राइट। इसीलिए देखो ऊपर लिखा हुआ है, दिस सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी कैन बी रेड एज प्रोविजो टू सेक्शन 105। तो अब्दुल लतीफ केस में वेयर द प्रोसिक्यूशन इटसेल्फ एडमिटेड दैट द अक्यूज्ड वाज एन इनसेन पर्सन, भाई प्रोसिक्यूशन खुद ही अगर मेडिकल सर्टिफिकेट में इंसेनिटी लगा रहा है तो एडमिट ही कर रहा है ना, राइट। तो द कोर्ट हैड टू गिव द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन सेक्शन 84 ऑन इट्स ओन, even though the accused did not assert the same on its own by virtue of its section 6, is that clear? Uske baad section 7 8 9 10 bas pad lete hain, let's read it just, सीधे 8 पे आ जाओ, नंबर आईपीसी में जहां जहां सिंगुलर एक्सप्रेशन है ना उसमें प्लूरल भी शामिल है, मतलब जहां मैन है तो मेन भी होगा, ठीक है, ही है तो दे भी होगा, शी भी होगा, राइट। तो जेंडर में
द प्रोनाउन ही मेल फीमेल दोनों इंक्लूड करते हैं. मैन एंड वुमन, मैन डिनोट्स मेल ह्यूमन बीइंग, वुमन डिनोट्स फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज पर्सन. ये थोड़ा डिस्कस करेंगे. द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी. इंक्लूड्स वर्ड लिखा हुआ है मतलब कि सेक्शन 11 डज नॉट गिव अस अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ पर्सन. इसने बस कुछ उदाहरण दे दिए हमें. गिव अस जस्ट एग्जांपल्स कि कंपनी को पर्सन मानेंगे, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन को पर्सन मानेंगे, राइट. इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड डज मैटर. ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट. जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ते हैं पर्सन चैप्टर, बताओ क्या पढ़ा था, राइट. थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. हमने पर्सन चैप्टर पढ़ा है जूरिस्प्रूडेंस में. पर्सन किसे, पर्सन दो तरह के होते हैं ना, कौन कौन? आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल होता है. नेचुरल पर्सन है. पर्सना फिक्टा का कॉन्सेप्ट भी था शायद. क्या उसमें एक पर्सना फिक्टा का कॉन्सेप्ट भी था शायद? क्या था सर? उसमें था कि जो आर्टिफिशियल पर्सन्स के केस में था कि इन्हें एक फिक्टिशियस पर्सनालिटी दे दी जाती है. जैसे कि कंपनी के केस में सर उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगी, बेशक शेयर होल्डर्स आए या जाए. उसे सर एक पर्सन मान लिया जाता था, उसका ढंग से ध्यान नहीं है. चलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सिंपल स्टडी करेंगे यहाँ पे. पर्सन दो तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन. नेचुरल पर्सन मतलब लिविंग पर्सन, ठीक है. उसमें अनबॉर्न चाइल्ड नहीं आता. अनबॉर्न चाइल्ड पर्सन है ही नहीं. एन अनबॉर्न चाइल्ड डज नॉट हैव पर्सनैलिटी. बट इवन 1 millimeter या 0.0001 millimeter of the part of his body is out of the mother's body, right? एक नेल भी नाखून के बराबर भी अगर वो अपने माँ के शरीर से बाहर निकला, भी पूरी तरह से पार्चुरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. पार्चुरेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, बस वो पर्सन हो गया. The slightest part of his body comes out of the mother's womb. He assumes a personality. He becomes a person. I hope that is clear. और आते हैं अब artificial person पे, जिसे आप juristic person भी कहते हैं. Law ने for the matter of convenience कुछ entities को person मान लिया है, as if कि वो एक individual है, as if कि वो एक human being है. रहने दो ना यार, लेट इट. उसमें ब्लास्ट होने जैसा कुछ नहीं, जल सकता है, ब्लास्ट नहीं हो सकता. लेट अस मूव अहेड. ठीक है, लेट इट बी, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सच थिंग्स. तो आर्टिफिशियल पर्सन बेसिकली इज अ रूल ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है. क्योंकि अब जैसे कंपनी, तो कंपनी में डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती, राइट. कंपनी में शेयर होल्डर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो वैसे में बहुत सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं जो कि कंपनी को ही हमें देना पड़ता है. लोग आए या जाए, बट दिस एंटिटी विल हैव दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है. तो उन्हें आप ज्यूरिस्टिक पर्सन भी कहते हैं, क्योंकि लॉ ने उन्हें पर्सनैलिटी दी है, राइट. तो दे हैव बीन अकॉर्डेड पर्सनैलिटी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. यू कॉल देम ज्यूरिस्टिक पर्सन ऑल्सो. बट रिमेंबर ऑलवेज, क्रिमिनल लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, तो सवाल उठता है कि क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन की क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल. और यहां पे दो बातें मैं कहूंगा. अगर मान लो कि चीटिंग का केस है,
तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ, प्रोसिक्यूशन हो सकती है, अ कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड ऑल्सो, राइट। लेकिन करेंगे क्या कि कंपनी के ऊपर दंड देंगे, कौन सा, पेनल्टी वाला, क्योंकि कंपनी जेल तो नहीं जा सकती है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैनॉट बी इनकार्सरेटेड, कैनॉट बी इम्प्रिजन्ड, राइट, लेकिन पेनल्टी तो दे सकती है, वो तो है उसके पास। तो कंपनी मे बी इम्पोज्ड विद फाइन और पेनल्टी, और अगर लगा तो फिर कॉर्पोरेट व्हील को उठाएंगे, यहां पर वी ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील एंड द डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, राइट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मींस हु आर इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हु हैंडल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उनके ऊपर फिर आप इम्प्रिजनमेंट वगैरह के भी पनिशमेंट्स इम्पोज कर सकते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट टू ह्यूमन बींग की हो सकती है, इट कैन बी पॉसिबल इन केस ऑफ अ नेचुरल पर्सन ऑल्सो, ओनली ज्यूरिस्टिक पर्सन पे क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज की जा सकती है, लेकिन पेक्यूनरी वाली, मतलब फाइन या पेनल्टी वाली, राइट। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी तो होगी आर्टिफिशियल पर्सन की, एक ही एक्सेप्शन है, स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटेलिटीज। स्टेट जो होता है ना, वो भी एक आर्टिस्टिक, सॉरी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, स्टेट भी आर्टिफिशियल पर्सन है, गवर्नमेंट भी आर्टिफिशियल, क्योंकि बॉडी ऑफ पर्सन तो है ना, स्टेट क्या है, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नहीं मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यही सब मिला के स्टेट बना देते हैं, राइट। तो स्टेट भी आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन नॉट फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी। वजह क्या है कि स्टेट स्टेट को कैसे प्रोसिक्यूट कर सकता है, स्टेट हुई को तो ये दिया है ना आपने अथॉरिटी प्रोसिक्यूट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, व्हेन एन इंडिविजुअल turns to be an errant, right, causing disturbance to the social peace, then who has been given the responsibility to bring the perpetrator of crime to books? The state, right? The state cannot prosecute, the state will become an absurd thing. So, agar koi government officer agar koi offence karta hai, right, to vicariously civil liability state ki ban sakti hai. There the state can be sued for liability vicariously, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट करना है तो स्टेट cannot be prosecuted, the officer himself has to be prosecuted, right? और कंपनी वगैरह के भी ऊपर हम जब क्रिमिनल केस करते हैं, जैसे सेक्शन 138 का जब हम केस करते हैं किसी कंपनी पर, तो हम पहला accused कंपनी को ही बनाते हैं, A1 is कंपनी, और नीचे में फिर through its directors क्या लिख देते हैं, थ्रू इट्स डायरेक्टर्स, राइट, अब्दुल अजीज और सचिन तेंदुलकर, ठीक है, दो डायरेक्टर्स है, थ्रू डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स भी नीचे रहते हैं 138 के केस में, ठीक है। और ऐसा हो सकता है किसी वजह से अगर कंपनी को पार्टी ना बनाया जाए, सपोज कंपनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड पर्संस, तो भी डायरेक्टर तो रहेंगे ही accused persons. Ultimate liability to pay, right, in lieu of the check is on the directors. तो directors के ऊपर से prosecution नहीं हटाया जा सकता है. For example, अगर आपने मान लीजिए कंपनी के खिलाफ NCLT में केस डाल दिया है, ठीक है, एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर, आप जो भी हैं उस हिसाब से, तो जब आप एक कंपनी के ऊपर NCLT में एक्सेस करते हैं, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कहता है कि कंपनी के खिलाफ जितने भी लीगल एक्शंस या प्रोसीडिंग्स हैं उन पर मोरेटोरियम लगाया जा सकता है, यानी कि एनसीएलटी कैन डिक्लेयर मोरेटोरियम, व्हिच मींस नो लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग्स कैन बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी व्हाइल द एप्लीकेशन इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल एनसीएलटी। समझ में आ गई बात। लेकिन इधर क्या था कि दो वेंडर्स ने कंपनी के ऊपर 138 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का चेक बाउंस का केस किया हुआ था, तो कंपनी वाले आ गए यहाँ पे और कहा कि जी एनसीएलटी ने तो देखिए मोरेटोरियम लगा दिया है, तो इसलिए 138 के केस को यहीं रोक दिया जाए, तो जज क्या करेगा पता है, कंपनी का नाम हटा देगा, डायरेक्टर्स का रहने देगा और 138 को चलने देगा, राइट। व्हाई? बिकॉज फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी तो लायबल है ही है,
उसके डायरेक्टर्स भी होंगे, तो प्रोसिक्यूशन कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर की होगी। कंपनी के ऊपर पेनल्टी या फाइन वाला पनिशमेंट इम्पोज तो कर ही सकते हैं, और डायरेक्टर्स को जेल भेजा जा सकता है। ऑफेंस कुछ इस नेचर का है कि हम डायरेक्टर्स को जेल भेजना चाहेंगे, कोई फ्रॉड हुआ, कोई चीटिंग हुई है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, तो डायरेक्टर्स मस्ट गो टू जेल एंड द कंपनी मस्ट पे द फाइन। इसलिए सेक्शन 11 इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट, तो वी विल डिवोट सम टाइम टू इट। अ नेचुरल पर्सन एंड इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल हो गया यहाँ पे, या अनइनकॉर्पोरेटेड यानी अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस, जैसे कि कोई ग्रुप हो गया, पार्टी हो गई या पार्टनरशिप फर्म, सभी पर्सन है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 के पर्पस के लिए सभी पर्सन माने जाएंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और पर्सन जो माने जाएंगे प्रोसिक्यूट भी किए जाएंगे, आईपीसी के ऑफेंसेस के लिए लायबल भी, थोड़ा दिमाग लगाना है। लेकिन अब ये नहीं कि हर ऑफेंस लगा दो कंपनी के ऊपर, अब जैसे 376 कंपनी पे थोड़ी लग सकता है। बाय डेफिनेशन ऑफेंस ही ऐसा है कि कंपनी कर ही नहीं सकते, हाउ कैन एन आर्टिफिशियल पर्सन कमिट दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बट चीटिंग कर सकती है कंपनी, कंपनी में भी है लायबल फॉर चीटिंग, कंपनी में भी है लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, इन सब चीजों के लिए कंपनी को आप लायबल बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज रिगार्ड्स कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी, अ कॉर्पोरेट और अ कंपनी और अ ज्यूरिस्टिक पर्सन शुड बी या सॉरी कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस। एनी ऑफेंस मतलब अप्लाई योर विजडम, नॉट एन ऑफेंस विच बाय द डेफिनेशन इटसेल्फ क्लियरली सेज दैट नो आर्टिफिशियल पर्सन कैन परफॉर्म इट। राइट, कोई आर्टिफिशियल जैसे चाकू मारा, तो आर्टिफिशियल पर्सन चाकू तो मार नहीं सकता है, कॉमन सेंस की बात है। तेजाब फेंक दिया तो आर्टिफिशियल पर्सन तेजाब थोड़ी फेंक सकता है। राइट, तो अप्लाई भी करना है, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनी लिख दिया तो अब तो सबके साथ लगाएंगे कंपनी का, मतलब 376 का भी केस डायरेक्टर के खिलाफ कंपनी पे भी कर दिया। सेलिंग माइट इंफ्राक्रॉन प्राइवेट लिमिटेड लायबल फॉर 376, हो ही नहीं सकता। डिफाइन देखिए फोर्जरी कैसा है। बिल्कुल ठीक है ना, तो ओवरऑल आप ये समझ लें कि यू हैव टू अप्लाई योर प्रूडेंस ऑल्सो। तो जिन ऑफेंसेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कमिट कर सकती है, वो ऑफेंसेस के लिए आर्टिफिशियल पर्सन भी लायबल होगा। पनिशमेंट के तौर पे उस पर बस फाइन लगेगा, जेल तो वो भेजा नहीं, जेल उसके बदले कौन भेजे जाएंगे? कॉर्पोरेट व्हील को उठाने के बाद पीछे छुपे डायरेक्टर्स को। राइट, तो कॉर्पोरेट और अ कंपनी और अ ज्यूरिस्टिक पर्सन कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस लाइक चीटिंग, पनिशेबल अंडर लॉ। स्टेट भी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है बट नॉट अ पर्सन अंडर सेक्शन 11। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी में कहा था 1999 के केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो बड़ा एब्सर्ड हो जाएगा। राइट, केस भी स्टेट ही करे, इन्वेस्टिगेशन भी स्टेट ही करे, ट्रायल भी स्टेट ही करे और डिफेंडेंट भी स्टेट ही हो, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? तो स्टेट के अगर ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है क्राइम के लिए, तो उनको इंडिविजुअली क्राइम के लिए आप प्रोसिक्यूट करेंगे। तो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन जो है वो विक्टिम भी हो सकता है। अ कंपनी कैन बी विक्टिम ऑफ चीटिंग, अ कंपनी कैन बी कंप्लेनेंट ऑल्सो। अब जितने भी बैंक्स हैं जब FIR करते हैं तो अपने बैंक के नाम से FIR करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ब्रांच मैनेजर, रिप्रेजेंटेड बाय राइट, तो नीचे ब्रांच मैनेजर होगा रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, स्वीटी पाठक ब्रांच मैनेजर, चीफ ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कांटी ब्रांच। राइट, कंप्लेनेंट यही होगी, लेकिन कंप्लेनेंट का नाम सबसे पहला क्या होगा? कंपनी का। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी आदमी ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उससे एक ही प्रॉपर्टी जो वो तीन और बैंकों में मॉर्गेज कर चुका था मॉर्गेज कर देता है, यानी एक ही प्रॉपर्टी पे चार बैंकों से लोन ले लेता है।
अब हिंदुजा वाले उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट का टाइटल क्या होगा? हु विल बी द कंप्लेनेंट? ठीक, एफआईआर करते हैं तो स्टेट होगा टाइटल, कंप्लेनेंट कौन रहा? हिंदुजा। तो हिंदुजा इज कंप्लेनेंट, स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। तो इसलिए ज्यूरिस्टिक पर्सन कंप्लेनेंट भी हो सकता है, अक्यूज्ड भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, बट इट कैन बी अक्यूज्ड ऑफ ओनली दोज ऑफेंसेस, राइट, दैट कैनॉट बी एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाई ए ह्यूमन बींग ओनली। ऐसे ऑफेंसेस जो कि केवल और केवल मात्र ह्यूमन बींग ही परफॉर्म कर सकते हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी ऑफेंसेस के लिए आर्टिफिशियल पर्सन को भी आप लाइबल क्रिमिनल लॉ में बना सकते हैं अंडर आईपीसी। ठीक है, सेक्शन 11 के बाद फिर से कुछ सेक्शंस आ गए जो हम सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट से ही देख लेंगे। पब्लिक, आई डोंट हैव टू डू दिस विथ यू, सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट खुद करोगे, ब्रिटिश इंडिया छोड़ दो रिपील है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपील है, गवर्नमेंट डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये 2022 का बेयर एक्ट है, अभी तक लगता हटाया नहीं है इसमें से, हालांकि अब ये लॉ जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 कहता है द एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हटा दिया है, देखो तो फोर्थ में द वर्ड्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर 31/10/2019 5 अगस्त को हटाया गया था, या था रेवोल्यूशनरी डिसीजन, तो इस दिन नोटिफाइड हो गया था 31/10/2019 को, तो जेके यहां से हटा दिया है। लेकिन एक बात बताओ, जब जेके वहां से हटा दिया तो मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहां से क्यों नहीं हटा रहा। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेरे पास तो एकदम 2022 वाला सबसे ताजा आईपीसी है, मैं हर साल नया आईपीसी खरीद लेता हूं, वजह है मुफ्त में मिल जाता है। यूनिवर्सल वाले फ्री में दे देते हैं, तो इसमें नहीं है ऐसा, क्यों समझूं ऐसा मैं, क्योंकि देखिए जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो हुआ 5 अगस्त 2019 में वो प्योरली एक पॉलिटिकल डिसीजन था। ठीक है, उस डिसीजन को लेने के लिए बहुत लॉ में चेंजेस सोचा नहीं था गवर्नमेंट ने, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे आपको पता है एक ऑफेंस है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में अगर कोई मुझे दिल्ली से किडनैप करके जम्मू कश्मीर भी ले जाता है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होगा, दैट विल बी, और ये आज तक नहीं बदला है। स्ट्रेंज, इफ ए किडनैप्स बी एंड टेक्स हिम टू नेपाल, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इफ ए किडनैप्स बी एंड टेक्स हिम टू जम्मू एंड कश्मीर, राइट, इट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। वाई? बिकॉज दिस सेक्शन 18 स्टिल कंसिडर्स इंडिया टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो हमारा आईपीसी खुद ही स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में राइट कहीं ना कहीं एक अलग ट्रीटमेंट। हालांकि अब ये डिस्टिंक्शन मुझे एब्सर्ड लगता है, थियोरेटिकली तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि जब 2019 में सेक्शन 1 को अमेंड किया जा रहा था इतना डीप थॉट दिया ही नहीं गया, क्योंकि 370 हटाने का एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था, वो पूरा करना था, राइट, तो वो पूरा करने के लिए शायद ये छूट गया, शायद ये बारीकी कि भाई किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वाला एक ऑफेंस भी है, उस पर्पस के लिए जम्मू कश्मीर इंडिया नहीं है,
या ये बारीकी की सेक्शन 18 में इंडिया में अभी भी जेएनके नहीं है, ये शायद रह गया। मुझे लगता है कि इस पर कोई केस अगर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आए तो वो कह देंगे कि भाई दिस सेक्शन 18 इज नो मोर मीनिंगफुल। राइट, सीन वन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वही मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है वैसा ना भी करें, क्योंकि आईपीसी का एक्सटेंड होना और किसी टेरिटरी का इंडिया का पार्ट होना दोनों जरूरी नहीं। डोंट फॉरगेट कि जो इंडिया का टेरिटरी का पार्ट नहीं है वहां भी आईपीसी एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किया जा सकता है। ये हमारा सॉवरेंटी है भाई, दिस इज द सॉवरेंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, कि मान लो कि हमने किसी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया लेकिन उसे इंडियन टेरिटरी नहीं बनाया, उसे अपना प्रोटेक्टोरेट बनाया, उसे अपनी कॉलोनी बनाई, तो अपना आईपीसी वहां हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि अब से यहां भी आईपीसी लगेगा। सो इवन दो दैट एनेक्स टेरिटरी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल्दो वी विल नेवर डू दिस, बट वी कैन, वी हैव द पावर टू डू सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर अ सॉवरेन कंट्री। राइट, एंड फॉर दैट मैटर वी कैन अक्वायर अ टेरिटरी ऑल्सो, सॉवरेन टेरिटरी, सॉवरेन कंट्री होने के नाते हम टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। हाँ, अपनी टेरिटरी किसी को दे नहीं सकते। राइट, क्योंकि टेरिटरी भी पार्ट ऑफ सॉवरेंटी है, टेरिटरी देना मतलब सॉवरेंटी कम कर देना। सॉवरेंटी के पता है ना क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? लैंड, पीपल, गवर्नमेंट और What are the four main elements of sovereignty? उसमें लैंड भी आता है, ढूंढना, गूगल करना। वैसे नहीं तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, आर्टिकल वन ही इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ इंडिया, उसी वक्त इस डिस्कशन को हम करेंगे। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस से हम कॉन्सेप्ट को बोरो करेंगे, बट लैंड इज अ पार्ट ऑफ sovereignty, राइट। तो हम टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, जैसे आपको याद होगा कि हमने एक टाइम पे गोवा को भी एक्वायर किया था और बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक गोवा पर इंडियन लॉज एनफोर्स नहीं किए थे, बल्कि अभी भी जो पर्सनल लॉज या फैमिली लॉज है गोवा के अपने हैं। अभी भी बहुत सारे लॉज गोवा के अपने हैं, ठीक है, धीरे धीरे चेंज होगा, लेकिन बहुत सारे लॉज अब एप्लीकेबल हो गए। लेकिन इनिशियली, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से ही लॉज एक्सटेंड किए जा सकते हैं इन द एक्वायर्ड टेरिटरीज व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। आई होप दैट इज क्लियर। और दूसरा, कि ऊपर आपने देख ही लिया कि इफ एन इंडियन सिटीजन कमिट्स ऑफेंस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, बी इट अ टेरिटरी, बी इट अ नॉन टेरिटरी, इन द स्पेस इटसेल्फ, स्पेस में है, एयर स्पेस में, तब भी लगेंगे, ठीक है। तो 18 देख लिया, थोड़ा सा वहां पे अजीब सा लग रहा है हमें, लेकिन जो है लिखा हुआ वही मानते चलेंगे, क्या होगा लेट अस फॉरगेट इट। राइट, जज बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। राइट, एक कलेक्टर भी जज हो सकता है, गांव का सरपंच भी जज हो सकता है, ठीक है ना। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सिविल और क्रिमिनल जजमेंट, जिसे लॉ ने एम्पावर किया है जजमेंट देने के लिए, मतलब ही कैन पास जजमेंट एंड डिसाइड द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। जजमेंट मतलब कि वो पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिसाइड कर सकता है। तो अगर उसके पास ये पावर है कि जो उसके पास आए हैं उसके वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिटरमाइन कर सके, तो वो जज है, ही इज अ जज, ठीक है। कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट मतलब जज, कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज, जज ही कोर्ट है। याद है मैंने कुछ दिनों पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि जज जहां बैठ जाए वहीं से वो कोर्ट इज नॉट एन एस्टैब्लिशमेंट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टार। राइट, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 में आप देख सकते हैं कि 11 कैटेगरीज के लोग दिए हुए हैं। देर आर 11 कैटेगरीज ऑफ पीपल
हु आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट राइट। इसमें गौर करेंगे आप, कमीशन्ड ऑफिसर, बस पढ़ के सुना देता हूं, कमीशन्ड ऑफिसर और मिलिट्री, एवरी जज, जज साहब भी पब्लिक सर्वेंट है फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन पिनल कोड, सिर्फ इंडियन पिनल कोड के लिए, राइट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए नहीं, ठीक है। सो एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस, एडजुडिकेटरी फंक्शंस मतलब functions that determine rights and liabilities of the parties, जो parties के rights and liabilities को decide करने को adjudication बोलते हैं, this is called by going into the merits of the claim, claim के merits में जाना, evidences के आधार पर तय करना कि क्या है rights या liabilities, इसे आप adjudicatory function बोलते हैं, this is called adjudicatory function, ठीक है। तो वो public servant है, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो जितने भी ऑफिसर हैं आपके कोर्ट में बैठे हुए, राइट, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, कई बार कोर्ट किसी को रिसीवर अपॉइंट करती है प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के लिए, फॉर टेकिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी कोर्ट, राइट, अपॉइंट्स अ रिसीवर, कई बार रिसीवर एक एडवोकेट होता है, तो जब तक वो रिसीवर होता है तब तक वो पब्लिक सर्वेंट है, हो सकता है वो रिसीव कर ले प्रॉपर्टी, कोर्ट को हैंड ओवर कर दे, फिर उसका रिसीवर वाला काम खत्म हो गया, तो फिर से वापस वकील बन गया, आने लगा कोर्ट में वकालत करने लगा, नाउ ही इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, बट एज लॉन्ग एज ही इज रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, राइट, और अपॉइंटेड बाय द स्टेट, लिक्विडेटर, अब जैसे कि एनसीएलटी अपॉइंट करती है लिक्विडेटर, राइट, तो वो जो लिक्विडेटर है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी क्या है, जिस दौरान वो कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट कर रहा होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। या कोई ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये जज आपने बोला कि प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में, मतलब पब्लिक सर्वेंट तो वहां भी डिफाइंड है ना, to investigate or to report any matter of law or to make or keep any document, keeper of document उसे appoint किया गया, वो public servant है, public document है अगर वो तो, or to take charge or dispose of any property, यानी उसे किसी property का administrator appoint किया, किसने, state ने या court ने, अगर court ने उसे administrator appoint किया, state ने उसे administrator appoint किया, तो वो public servant है, right, to execute any judicial process, where a person has been appointed by the state or the court to execute a judicial process like summon or warrant, right, court ka bailiff jata hai na, right, to wo kya hai, public servant, to administer oath, who has been given the charge of administering oath of anyone, to wo public servant, to interpret or to preserve order in the court, यानी कि कोर्ट का वो ऑफिसर जो रिकॉर्ड रखता है, जो स्टोर मैनेज करता है, जो रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करता है, राइट, तो ऑल दीज पीपल हु आर ऑथराइज्ड बाय कोर्ट फॉर डूइंग दीज फंक्शंस, ऑल दे आर, ऑल ऑफ देम आर पब्लिक सर्वेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन पिनल कोड, राइट। एवरी ज्यूरीमैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, एवरी आर्बिट्रेटर or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice, to court ne jisko arbitrator appoint kiya, ab jaise ki arbitration conciliation act jab tum padhoge to dekhoge ki chief justice of high court can appoint an arbitrator in domestic arbitration and chief justice of supreme court can appoint an arbitrator in international commercial arbitration, so the arbitrator so appointed, right, is a public servant. The arbitrator who is appointed by the order of the court is a public servant. या कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि I will tell you a story. A ने B के साथ कोई contract किया. बाद में, अच्छा उसी contract में clause में लिखा हुआ था कि कल को हम में कभी विवाद हो, if any dispute arises, तो हम arbitration कराएंगे. विवाद हो गया, right? तो B ने कहा कि भाई चलो arbitration करा लेते हैं. ए ने भी कहा कि ठीक है करा लेते हैं, लेकिन ए ने कहा कि मैं अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूंगा, और क्लॉज में, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में सोल आर्बिट्रेटर का प्रोविजन था,
ए ने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। अब बी का कहना है कि माना कि सोल आर्बिट्रेटर की बात थी, लेकिन यूनिलैटरली तुम कैसे कर दोगे, तुम तो अपने मामा चाचा ताऊ को आर्बिट्रेटर बना दोगे या समवन हु इज क्लोज टू यू, फिर मैं क्या करूंगा। तो यहां पर न्यूट्रैलिटी इंश्योर करने के लिए आओ ऐसा करते हैं कि एक तुम कर दो, एक मैं, और वो दोनों मिलके एक तीसरा, और इस तरह से तीन मेंबर का एक हम आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बना लेते हैं। मेरी बात ए ने नहीं मानी और ए के द्वारा अपॉइंट किए हुए आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू कर दी। मैं चला गया हाईकोर्ट अंडर सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट में आई कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द हाईकोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर। वहां पे मैंने ए द्वारा अपॉइंट किए गए आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज भी किया। हाई कोर्ट ने उस सोल आर्बिट्रेटर की टर्मिनेशन कर दी और हाई कोर्ट ने खुद एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। तो ये जो आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड है, इवन दो इट इज फॉर आर्बिट्रेशन बिटवीन प्राइवेट पर्संस, ही इज गोइंग टू डू आर्बिट्रेशन बिटवीन होम, बिटवीन द प्राइवेट पर्संस, still he will be called an arbitrator appointed by the court and hence a public servant, right? So arbitrator appointed by the court of justice ya public authority yani government, public authority yani government ne appoint kiya hai. Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, matlab jailer ya koi bhi aisa banda jise ki custody lene ka power गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट है। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, यानी पुलिस वाले, सीबीआई वाले, है ना, समझ रहे हो बात को, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो कि ऑफेंसेस प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ यानी हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह, to protect safety, तो इस तरह के जो officers हैं जो कि safety में, जैसे fire safety officer, ये सभी public servants हैं। Every officer whose duty it is to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, तो government के behalf पे property लेना, receive करना, रखना, संभाल के रखना, are you getting my point? ये काम जो बंदा करे वो public servant है। टू मेक एनी सर्वे, जैसे लैंड सर्वे करने वाले, मैप सर्वे करने वाले, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, जैसे कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर्स, टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के मॉनेटरी इंटरेस्ट का ध्यान रखने वाले ऑफिसर्स, जैसे आरबीआई के ऑफिसर्स, नेशनलाइज्ड बैंक के ऑफिसर्स, राइट, all the officers who are in the economic services, hai na, Indian economic services wale officers, sabhi public servants hain. Financial matters government ne jisko bhi de diya, wo sabhi public servants hain, theek hai. Every officer whose duty is to take, receive, keep or spend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, to village ke liye jo tax vasooli kare, ye power use kisne diya hai, chala do na ek baar, ye power usne kisne diya hai, government ne diya hai, the government has given this power, right, to wo public servant hai. Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll, yani ki election se related jitne bhi kaam hote hain, वो काम जिसको दिए गए हैं करने के लिए, टेम्पोरेरीली भी होता है, कई बार ऐसा भी होगा कि आप देखेंगे कि कुछ लोगों को टेम्पोरेरीली इलेक्शन कमीशन ने हायर कर लिया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ रोल्स, राइट, फॉर सर्वे एटसेट्रा, है ना, प्राइवेट को भी कर सकते हैं, कई प्राइवेट एजेंसीज को भी हायर कर लिया जा सकता है, राइट, तो वो भी लेकिन पब्लिक सर्वेंट होगा अगर इलेक्शन वाले वो काम कर रहा है तो, given by election commission, given by the government, तो फिर वो public servant है। तो मतलब कि electoral roll बनाना, election conduct करना, election का जो भी हिस्सा है वो करना, by the authority of the government, right, given by the election commission obviously,
इलेक्शन वाले जितने भी काम हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? इलेक्शन कमीशन. दो इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक इलेक्शन कमीशन और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन. स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और लोकल बॉडीज के इलेक्शन को देखता है और बाकी इलेक्शन सारे इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन का आप गौर करोगे कि इनका कोई ना लंबा चौड़ा एम्प्लॉयमेंट नहीं है. इलेक्शन कमीशन में तीन ही लोग होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है, बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. यही तीन परमानेंट एम्प्लॉयज हैं इलेक्शन कमीशन के, बाकी सब डेप्यूटेशन पे ये हायर करते हैं. मतलब ये लिख के भेजते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कि 10 दे दो, 5 दे दो, ठीक है. तो सब डेप्यूटेशन पे होते हैं इलेक्शन कमीशन में, इनका कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता. तो उसमें ये किसको भी हायर कर ले, तो ऐसे भी बंदे को हायर किया जा सकता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, लेकिन व्हाइल ही इज परफॉर्मिंग एनी इलेक्टोरल ड्यूटी गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन व्हिच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, तो वो पब्लिक सर्वेंट है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 21 इंडियन पिनल कोड. आई होप दैट इज क्लियर. डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी एग्जामिनेशन. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू IPC? ये फेवरेट क्वेश्चन है जो रीजनल बोर्ड हैं उनके, ठीक है. सेंसस कंडक्ट करना इलेक्शन रिलेटेड काम थोड़ी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, राइट. इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे इंस्टीट्यूट है, वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पॉपुलेशन सेंसस का इलेक्शन कमीशन से क्या काम? इलेक्शन कमीशन तो इलेक्टोरल रोल बनाता है, राइट, और इलेक्शन रिलेटेड बाकी सारे काम करता है, जैसे बूथ, EVM, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बूथ वगैरह, ये सारे काम इलेक्टोरल काम है. रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करना, काउंटिंग कराना, वोटिंग कराना, रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना, यही सब काम है ना, इलेक्टोरल काम है. सबसे इसमें भीषण काम, सबसे बड़ा काम इसमें है बस इलेक्टोरल रोल बनाना, विच हैपेंस टू बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत मुश्किल काम होता है. चलिए ठीक है. तो सेक्शन 21 में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था, आई जस्ट वेंट थ्रू इट ताकि एक फॉर्मेलिटी है कि ये कर लिया हमने. आई एम एक्सपेक्टिंग यू वुड बी रिवाइजिंग इट ऑन योर ओन फॉर द पीटी पर्पस. पब्लिक सर्वेंट 11 कैटेगरीज के हैं आईपीसी में, राइट. देयर आर 11 कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन आईपीसी. इवन जजेस कैन बी पब्लिक सर्वेंट्स. प्राइवेट पार्टीज आर्बिट्रेशन करा रही है तो उसमें स्टेट का कोई रोल ही नहीं, स्टेट नहीं है तो ऑब्वियसली वो पब्लिक सर्वेंट नहीं. मैंने क्या कहा, आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस या पब्लिक अथॉरिटी. जब कोर्ट अपॉइंट करे किसी को आर्बिट्रेटर तो वो पब्लिक सर्वेंट. जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी में जैसे DTA, मोटर व्हीकल्स अथॉरिटी, कोई मिनिस्ट्री, कोई डिपार्टमेंट, वो अगर अपॉइंट करता है आर्बिट्रेटर तो वो आर्बिट्रेटर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से पब्लिक सर्वेंट. जिस दिन आर्बिट्रेशन खत्म, जिस दिन आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, द ट्राइब्यूनल बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो, खत्म. उसके बाद वो आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट नहीं. अब कभी कभी एक्सटेंशन का इस्तेमाल भी वहां कॉमन सेंस लगाते हैं, राइट. अब जैसे एक एग्जांपल है, याद होगा CRPC में हमने पढ़ा था कि एक प्राइवेट पर्सन को भी पावर है अरेस्ट करने का. व्हेन अ कॉग्नाइजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस इज टेकिंग प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्राइवेट पर्सन, देन ही हैज द पावर टू अरेस्ट द अक्यूज्ड. Accused को जो कर रहा है उसके सामने, continuous tense है, जो कर रहा है उसके सामने एक cognizable non-bailable offence. याद है ना section 43 में हमने पढ़ा था CRPC के. तो अब सवाल उठता है कि जब वो आदमी अपने section 43 का पावर इस्तेमाल करते हुए अरेस्ट कर रहा था accused को, तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट था उस 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट जब भी के लिए, क्योंकि उसके बाद तो उसने जरूर इसे
पुलिस स्टेशन में या किसी पुलिस ऑफिसर को हैंडओवर कर दिया गया होगा जो इसे राइट अपनी कस्टडी में ले लेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रीड सेक्शन 43 सीआरपीसी वंस राइट. और उसके बाद फिर हम इसमें सेक्शन 21 वाला पब्लिक सर्वेंट का वो कैटेगरी ढूंढेंगे जिसमें ये फिट बैठे. प्लीज रीड इट. सेक्शन 43 सीआरपीसी जरा लाउडली पढ़े. Any private person may arrest or cause to be arrested any person who, in his presence, commits a non-bailable and cognizable offence, or any proclaimed offender, and without unnecessary delay shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer, or in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station. If there is reason to believe that such person comes under the provision of section 41, the police officer shall re-arrest him. If there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offence and he refuses on the demand of a police officer to give his name and residence and gives a name and residence which such officer has reason to believe to be false. हो गया 43 पूरा. तो 43 में क्या पढ़ा आपने? पावर है. अब 21 देखिए. 21 में कौन सा कैटेगरी का पब्लिक सर्वेंट यह है भी कि नहीं? है इनमें से किसी कैटेगरी में वो है? नहीं है. क्या है? क्या लिखा हुआ है? Aware of the word public servant occur, you shall be understood of every person who is in actual possession of a situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation. तो इसमें क्या है explanation two में? कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है. कैसी वाली? जैसी सिचुएशन में एक पब्लिक सर्वेंट होता है तो उसके लिए भी आपको पहले मुझे कोई फर्स्ट से लेकर 11th तक के बीच में देना पड़ेगा. अब जैसे कि यहाँ पर क्या ये लगा सकते हैं आठवां वाला? एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट जिसकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, है ना. अब एक्सप्लेनेशन टू की वजह से एक प्राइवेट पर्सन ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि जिसमें कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता तो वो इस ऑफेंस को प्रिवेंट करता. तो मतलब मैं उसके जैसी परिस्थिति में हूं. तो बिकॉज ऑफ या अश्विनी यू सेट कैटेगरी 8 बट कैटेगरी 8 हैज टू बी रेड विथ एक्सप्लेनेशन 2 राइट. कैटेगरी 8 हैज टू बी रेड विथ. यहाँ पर एक प्राइवेट पर्सन है जबकि कैटेगरी 8 में लिखा हुआ है एवरी ऑफिसर और द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफिसर्स राइट. तो हम पुलिस वाला ले लेते हैं. तो मेरी जगह पुलिस वाला होता तो वो प्रिवेंट करता ना इस ऑफेंस को बाय अरेस्टिंग द अक्यूज्ड, करता ना. मैं आज उसी परिस्थिति में हूं. तो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि जहां जहां पब्लिक सर्वेंट वर्ड अकर करे हम एवरी पर्सन को इंक्लूड करेंगे जो एक पब्लिक सर्वेंट की परिस्थिति में है, यानी कि जो 8th कैटेगरी के ऑफिसर की परिस्थिति में है लेकिन ऑफिसर नहीं है, फिर भी उसे पब्लिक सर्वेंट थोड़ी देर के लिए अज्यूम किया जा सकता है. तो यस टेक्निकली राइट कैटेगरी 8 रेड विथ एक्सप्लेनेशन 2 वी कैन कंसिडर दैट टू बी अ पब्लिक सर्वेंट राइट. क्योंकि वैसे भी उसको 43 सीआरपीसी एक लॉ है जिसने ऑथोराइज किया है ऐसा करने के लिए. तो ही इज एक्सरसाइजिंग हिज अथॉरिटी
right, by virtue of a law. Right, he is exercising authority because he has been authorized by law. So yes, for that brief period of time, he is public servant. उसी तरह क्या हमने सीआरपीसी में ये भी पढ़ा है कि एक पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए वहां पर आसपास के लोगों से मदद मांग सकता है. कौन से सेक्शन में हमने पढ़ा है सीआरपीसी के? टेक इट आउट प्लीज, आप लोग भी ढूंढने की कोशिश कीजिए सेक्शन कौन सा सीआरपीसी में है कि वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन सीक हेल्प. राइट, वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन सीक हेल्प from the members of public for arresting someone. We have done this together. And not only that, even a magistrate can give a warrant to a person other than police officer. Ye bhi humne CRPC mein padha hai. A magistrate can give warrant to be executed by a private person where police officers are not available. Yes or no? Yes. Read section 37, 38, etc. You will get this perhaps. If a person other than a police officer is giving warrant, when a warrant is directed to a person other than a police officer, any other person. Warrant is directed to a person other than police officer. मतलब can be a private person also. तो मान लो कि एक magistrate ने CRPC के इसी power का इस्तेमाल करते हुए police officer की absence में एक private person को warrant execute करने दे दिया. तो जिस दौरान वो warrant execute कर रहा होगा, वो एक public servant है. सेक्शन 21 की वजह से, क्योंकि माना कि वो खुद मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर नहीं है, बट ही इन अ सिमिलर सिचुएशन बीइंग ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ. जब मैजिस्ट्रेट उससे वो काम करा रहा है जो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी को करना था, तो वो भी स्टेट ही है. राइट, और उसके द्वारा की गई अगर गलतियां होती हैं तो आप वाइकेरियस लाइबिलिटी स्टेट पे डाल सकते हो. स्टेट इज वाइकेरियसली लाइबल इवन दो दैट पर्सन इज अ प्राइवेट पर्सन, बट देन ही वाज एग्जीक्यूटिंग द वारंट गिवन टू हिम बाय द मैजिस्ट्रेट एंड हेंस ही इज अ पब्लिक सर्वेंट फॉर दैट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट. सिमिलरली इन सीआरपीसी वी हैव रेड दैट अ पुलिस ऑफिसर मे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अ बाईस्टैंडर. आस पास किसी बाईस्टैंडर से पुलिस मदद मांग सकती है. सकती है, तो जब उसके मांगने पर आप पुलिस की मदद करते हैं और किसी को अरेस्ट करते हैं, तो आप उस थोड़ी देर के लिए सेक्शन 21 की माया से, बिकॉज ऑफ सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट है. सेक्शन 21 एक्सप्लेनेशन 2 की वजह से, खासतौर पर यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, एक्सप्लेनेशन 2 इसी के लिए दिया हुआ था. Explanation 2 is very important. Can be your PT question and can be a tricky question in your interviews. ये तीनों questions जो मैंने आपके सामने अभी बोले, ये mains का भी question है और ये interview में भी कई बारी पूछा गया है, as my various students have told me. ठीक है? तो discussion on 21 is complete. इसको कहते हैं extension of the idea of 21. जो 21 में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन implied है. Implied है due to explanation 2. मैंने सीआरपीसी के 3 सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस किए जहां पर प्राइवेट पर्संस थे लेकिन सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे थे. क्या कर रहे थे? सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे थे, इसलिए वो भी स्टेट थे, वो भी उस थोड़ी देर के लिए पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किए जा सकते हैं. इज दैट क्लियर? राइट, सो नाउ वी कम टू सेक्शन 22. 21 हमने पढ़ लिया बेयर एक्ट में, अब हम सेक्शन 22 देखेंगे. बहुत आसान है, राइट, लेकिन बड़े काम का है. इट्स वेरी यूजफुल. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हुए भी काम आएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हुए भी काम आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हुए भी काम आएगा. ठीक है, बहुत बार काम आएगा. सो व्हाट इज अमूवेबल प्रॉपर्टी? एनी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी. कॉर्पोरल मतलब जो सदृश हो, जो दिखता हो. गॉट माई पॉइंट? अब जैसे मान लीजिए आपका किसी खेत में घास काटने का अधिकार है,
तो घास काटने का अधिकार देखा जाने वाली चीज नहीं, एक्सरसाइज की जाने वाली चीज है। मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अधिकार प्रॉपर्टी तो है, लेकिन आप इसे किसी कैटेगराइज कोई कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन टीपीए में हम देखेंगे। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिलहाल देखते हैं व्हाट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी सीन, इसकी पहली शर्त, एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फैसन टू द थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। तो थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ में आ गया कोई बिल्डिंग, ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लो बिल्डिंग, और थिंग्स परमानेंटली फैसन टू द थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ में आ गया उस बिल्डिंग में लगा हुआ एसी जो फिक्स्ड है। जब तक ये एयर कंडीशनर इस बिल्डिंग से फिक्स्ड है, फैसन्ड है, जो बिल्डिंग खुद जमीन से अटैच्ड है, तो ये भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट, बट द मोमेंट इट इज सीवियर्ड, जिस पल आप इस एयर कंडीशनर को दीवार से काट के अलग कर देते हैं, ये बन जाता है मूवेबल। लैंड, लैंड को आप क्या कहेंगे? इमूवेबल। लेकिन उसी लैंड में से मिट्टी निकाल के आप ले जाते हैं ईंट बनाने, मैंने तुम्हारे जमीन से मिट्टी चोरी कर ली, अब थेफ्ट कहोगे कि नहीं कहोगे इसको? लेकिन थेफ्ट तो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो जब तक मिट्टी लैंड में चिपकी है, मिट्टी विट्टी सब इमूवेबल है। मिट्टी जैसे ही खोद के निकाल लिया, मिट्टी बन गई इमूवेबल। राइट, तो जब तक वो अर्थ से अटैच्ड है तब तक इमूवेबल है। अर्थ से कट गया, मूवेबल बन गया। जब तक वो अर्थ से अटैच चीजों से अटैच है, इमूवेबल है। राइट, हर दरवाजा जो बिल्डिंग में लगा है वो खुद में इमूवेबल है, जब तक कि दरवाजे को अलग काटकर काटा कि इमूवेबल बन गया। नाउ इट इज समथिंग दैट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। राइट, तो मूवेबल बन गया। तो थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फैसन टू द थिंग्स अटैच टू द अर्थ। राइट, नोट में है, By severance, यानी कि काट देने से, अलग कर देने से, अलग कर देना, things that are immovable can become movable. For example, soil, when part of land is immovable, but when from, right, severed from land, जब इसे जमीन से काट के निकाल लिया जाता है, severed from land, it is movable. Sand, जब तक जमीन पे है इमूवेबल है, निकाल लिया तो मूवेबल। पत्थर, पहाड़ पे पत्थर है इमूवेबल, क्रशर लगा के तोड़ तोड़ के निकाल लिया, मूवेबल। स्टैंडिंग क्रॉप, जब तक क्रॉप खड़ा है जमीन में, जड़ें इसकी धसी हुई हैं, तब तक ये इमूवेबल, काट लिया मूवेबल। राइट, फिश, मछली का क्या करें? पानी जमीन में, और वो पानी भी जो आपने है वो प्रॉपरली जमीन में अटैच्ड है, क्योंकि पॉन्ड आपने जमीन में ही खोद के बनाया हुआ, तो अटैच्ड है। और पानी में मछली, जब तक ये पूरा सेटअप ऐसा ही है इमूवेबल, लेकिन मछली आपने जैसे ही पानी से बाहर निकाल ली, मूवेबल। सेवियरेंस से बन जाता है मूवेबल। जब तक सेवियरेंस नहीं होती है, वो लैंड से जुड़ा हुआ रहता है, तब तक वो इमूवेबल। अब जैसे मैं तुम्हें बेच रहा हूं ये जमीन के साथ, ये पॉन्ड भी, और पॉन्ड में पड़ी जितनी मछली है सब, तो ये जो सेल हुआ ना, ये सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ, और इसकी सेल डीड का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। राइट, लेकिन अगर मछली निकाल के बेच लिया, उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि पानी से निकलते ही मछली मूवेबल है, और मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। राइट, तो मेनली ये सब बातें रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ते समय बहुत काम आएंगी। सो यू मस्ट नो ऑल दीज एग्जांपल्स। सेटअप पूरा बेच रहे हो, अब जैसे मैं आपको पूरा फ्लैट बेच रहा हूँ विथ एसी, घड़ी भी लगी हुई, लेकिन ये घड़ी है ना फैसेंड नहीं, टंगी है लेकिन ये दीवार में घुसी पड़ी नहीं,
इट्स नॉट फैसेंड, इसको फैसेंड नहीं कह सकते। नट बोल्ट से कस दिया गया होता तो ये इसी घड़ी को मैं नट से कस दूं और पूरा सेटअप कि मिस्टर एक्स ये पूरा फ्लैट विथ एसी एवरीथिंग पंखा वंखा सब मैंने क्या बेचा, इमूवेबल प्लस बहुत सारी मूवेबल नहीं, मैंने इमूवेबल बेचा। और एक होता कि मैं घड़ी निकालता पहले उसको बेचता, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक एक पाई वसूलते हैं फ्लैट का, राइट। पंखा निकाला वो बेच दिया, सब अलग अलग बेचा। उसने क्या किया कि पहले सबको मूवेबल बनाया, फिर सबको बेचा और फिर बाकी जो कच्चा फ्लैट बचा बेच डाला। आगे बात समझ में? तो उसने मूवेबल भी बेचा और राइट, जैसे स्क्रैप डीलर्स यही करते हैं। स्क्रैप डीलर फैक्ट्री खरीदता है, खरीदता इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो खरीदता क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब वो पूरा कारखाना खरीदता है, पूरी फैक्ट्री खरीदता है, तो रजिस्ट्री जो होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली होती है, राइट। टैक्स वैक्स सारा वही सोच के लिया जाता है। लेकिन जब वो खरीदने के बाद उसी कारखाने को तोड़ तोड़ के पार्ट बाय पार्ट लोहा एल्यूमिनियम कॉपर अलग अलग बेचता है, ठीक है, और बाद में जमीन, तो उसने ढेर सारी मूवेबल्स बेची और फिर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दिया। आई होप दैट इज क्लियर। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी can be severed into various movable properties. कई movable properties में आप उसे सिवियर कर सकते हैं, यानी मिट्टी भी निकाल दिया तो movable property निकाल दी, ठीक है। जमीन के नीचे कोयला, तो मैंने आपको पूरी जमीन बेच दी, ये कहते हुए कि ये देखिए जोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का सर्वे, इसके नीचे कोयला है और वो भी anthracite, बड़ा अच्छा, ठीक है। तो आपने खरीद लिया, आपने खरीदा इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन जब मैं माइनिंग करके उसमें से कोयला निकालूंगा, वो कोयला निकलते ही मूवेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो दिस वाज डिस्कशन। अब हम ज्यादा खूबसूरत टॉपिक पर आते हैं आईपीसी के, यहां से असली आईपीसी शुरू होता है। वी विल डिस्कस रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली। दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड, राइट। इन वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज रॉन्गफुल गेन, व्हाट इज रॉन्गफुल लॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनेस्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉडुलेंटली, बिकॉज इन वेरियस सेक्शंस वी विल सी द एक्सप्रेशन डिसऑनेस्टली। अब जैसे चीटिंग की डेफिनेशन देखना जरा, 415 से 420 देखिए जरा आईपीसी में। मतलब कि कई ऑफेंसेस में तो सिर्फ डिसऑनेस्टली मिलेगा, कई में फ्रॉडुलेंटली मिलेंगे और कुछ में दोनों वर्ड्स मिलेंगे। तो दोनों में अंतर है, डिसऑनेस्टली वर्ड का अलग मतलब है, फ्रॉडुलेंटली का अलग। और ये मतलब एक प्रोसिक्यूटर को जानना जरूरी है कि ताकि वो एविडेंसेस उसी हिसाब से लाए। वो डिसऑनेस्टली साबित करना चाहता है तो एविडेंसेस उसी कैटेगरी के लाने। आई गेटिंग माय पॉइंट, राइट। पहले ये तो पता चले डिसऑनेस्टली का मतलब है क्या, तभी तो उसके लिए आप क्या ला पाएंगे, एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। सो वी मस्ट नो द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिसऑनेस्टली, राइट। बट आई थिंक टू मच ऑफ आईपीसी इन अ डे विल बी बैड फॉर यू। वी शुड हैव अ 3 आवर क्लास, 5 to 8, but only when we are having 2 subjects, like tomorrow, so day after tomorrow, on Monday, right, first 45 minutes, 5 p.m. to 5:45, only Evidence Act. So only the old students or if new students want to see that discussion, they may join. 5:45 to 8 p.m, we will have Indian Penal Code, right. 3 hour ka जो परंपरा है वो थोड़ा सा अब हम बढ़ाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो हम 3 घंटे की क्लास तो मिनिमम करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल में एक चेंज भी होगा। शेड्यूल में चेंज ये होगा रूटीन में कि हम एक माइनर सब्जेक्ट 1 घंटे का और मेजर सब्जेक्ट 2 घंटे का एक दिन में 2 लॉ के सब्जेक्ट चलाने की सोच रहे हैं। Are getting my point? 2 subjects of law in 1 day. तो इसमें हमें बड़ा फायदा होगा if we start class at 5
और 5 to 8 हम इस क्लास को रखें। तो ये जो नया स्केड्यूल है ये पहले हम फर्स्ट 15 डेज तो अभी ऐसे ही रहेगा, राइट। समर वेकेशन के समय हम इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो वी हैव वेकेशन इन द मंथ ऑफ जून, तो फर्स्ट जून से ही इफेक्टिव मान लो कि हम जो क्लास करेंगे उसमें 2 सब्जेक्ट हमारे चलेंगे, एक माइनर सब्जेक्ट और एक मेजर सब्जेक्ट। देखते हैं, अगर ये वर्कआउट करता है तो बहुत अच्छी बात, आई थिंक इट शुड वर्कआउट। हालांकि आप में से कई ऐसा कह सकते हैं कि सर एक दिन में 2 सब्जेक्ट कैसे होगा, लेकिन होता है, लोग करते हैं और किया जा सकता है, ठीक है। तो आई विल स्टॉप द क्लास हियर इटसेल्फ, टुमारो वी रिज्यूम, सॉरी डे आफ्टर टुमारो, टुमारो इज माई हॉलीडे, आई थिंक यू हैव योर जीएस क्लास, आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक इट, ठीक है। तो मैं तो परसों ले लूंगा और 5 बजे मिलते हैं। Could you also upload recording of 12th, जो 12th को क्लास हुई थी उसकी recording आप प्लीज अपलोड कर सकते हैं? हाँ मैं कर दूंगा, मैंने देखा है मैसेज तुम्हारा। जी जी सर, आई हैव सीन योर मैसेज। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।